आज फिर आप सभी भारतवर्ष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य, भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में समग्रता से व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज के इस सेशन को हम दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। सबसे पहला दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितनी भी परीक्षाएँ हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अभ्यर्थी और अन्य विभिन्न राज्यों के सभी अभ्यर्थी, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए, आज के इस सेशन को देखने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरा दृष्टिकोण, आज हम भारत को जूम आउट करके पढ़ेंगे और भारत के सभी नागरिक, चूँकि भारत के प्रत्येक राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता और बहुसांस्कृतिक कल्चर सामाजिक संस्कृति से परिपक्व है, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक विशेषताएं हों चाहे राजनीतिक विशेषताएं हों, तो विलक्षण विभिन्न प्रकार की विलक्षणता आपको देखने को मिलेगी। तो आज के सेशन में भारत के एक अभिन्न हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, जो कि सन 2000 में बना, और इसके बारे में आज डिटेल से भारत के सभी नागरिक जान पाएंगे। तो ये दो दृष्टिकोणों में पूरा का पूरा सेशन होने जा रहा है। पहला है ज्ञानात्मक, जिसके अंतर्गत परीक्षाओं में आपको सभी प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, इसी दृष्टिकोण से मैंने इसको लिया है। और साथ ही भारत के सभी नागरिकों को भारत को जूम आउट करके पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा एक निरंतरता के साथ, क्रमबद्धता के साथ, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ लगातार मास्टर वीडियो की एक व्यापक सीरीज आप सभी के सामने प्रस्तुत है, और लगातार ये जारी है, जारी रहेगी। मैंने विभिन्न समान अध्ययन के साथ करंट अफेयर्स और साथ ही विभिन्न राज्यों, भारत के सभी राज्यों के बारे में मैंने बोला था आप सभी से कि सभी राज्यों के बारे में मैं समग्रता से पढ़ाऊँगा, हर राज्य का मास्टर वीडियो दूँगा। तो इसी क्रम में मैंने उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो दे दिया है, बिहार राज्य का मास्टर वीडियो दे दिया है, मध्य प्रदेश राज्य का मास्टर वीडियो दे दिया है, और उसके अगले क्रम में अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के मास्टर वीडियो को देखेंगे। इसके बाद भारत के विभिन्न अन्य राज्य हैं, उन सभी राज्यों के बारे में मैं आप सभी को मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा, भारत के हर एक हिस्से को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से आप सभी को समझा के जाऊँगा, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत निर्णायक होने जा रहा है। आज आप बहुत बड़ी विषय वस्तु को जानेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानेंगे, हमारा जो अतुल्य भारत है, इनक्रेडिबल इंडिया है, उसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जनजातीय विविधता और विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों से भरपूर है हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आज जो है ये राज्य आप सभी के लिए बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, सभी छात्रों को, आप चाहे उत्तर प्रदेश राज्य के हों, बिहार राज्य के हों, या भारतवर्ष के किसी भी राज्य के छात्र हों। छत्तीसगढ़ राज्यों का सबसे पहले सभी छात्रों का मेरे तरफ से बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है आज़ाद IAS एकेडमी में, और आप सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म भी हमने बनाया है, समर्पित मंच है आज़ाद CGPSC एकेडमी। तो वहाँ पर आपकी बहुत डिटेल से अच्छे से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, और यहाँ पर जो है अब मैं हर एक राज्य को लेकर के चल रहा हूँ। बिहार राज्य का मैंने सबसे पहले दिया था, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब आगे जो है आपके राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, इसके बाद आपका झारखंड है, हर एक राज्य को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए आपके सामने मास्टर वीडियो की एक ये अद्वितीय संरचना है। आप हर बार देखते हैं कि मैं एक बोर्ड लेकर के आता हूँ जिसमें आप सभी को कुछ दिखाई नहीं देता, और आप सभी की हमेशा शिकायत बनी रहती है कि सर बोर्ड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो सिर्फ मुझे सुनना है, ये वीडियो सुनने के लिए है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, ये समझिए कि एक बहुत बड़ा रिसर्च है। पिछले 48 घंटों से मैंने लगातार काम किया है और फिर ये वीडियो शूट होकर के आप तक पहुँच रहा है। तो लगातार पिछले 48 घंटों की मेहनत है इसमें। तो आप सभी को ये एक बहुत बड़ी जानकारी कम समय में मिल पाएगी, इसका एक ही माध्यम है, सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, मास्टर वीडियो का ये एपिसोड, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को पढ़ने में आप सभी को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो CGPSC के एग्ज़ाम हो या PSC के द्वारा अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, CG व्यापम के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के अन्य जो पुलिस एग्ज़ाम हैं या जितने भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई जानकारी का विशेष महत्व है, है ना। और इसके अतिरिक्त जो भारत के अन्य क्षेत्र से लोग हैं, आप सभी घूमने जा सकते हैं, आज आप बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ यहाँ पर देखने लायक है, बहुत कुछ घूमने लायक है, है ना। तो पहले मैंने प्रयास किया था कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया है।
तो एक एपिसोड और आएगा छत्तीसगढ़ का, लेकिन इस एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड पे मैंने क्या काम करवाया है। आने वाले 2 घंटे तक सिर्फ आपको मुझे सुनना है, बस, और कुछ नहीं करना है। 2 घंटे के अंतर्गत मैं आपको एक बृहद और विस्तृत जानकारी दे करके जाऊँगा। जैसे कि आपने मास्टर वीडियो के जितने भी एपिसोड देखे हैं, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे वो भारतीय राज्य व्यवस्था का हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था का हो, पर्यावरण का हो, पर्यावरण का मास्टर वीडियो भी आ चुका है, आप सभी को देखना चाहिए, जनसंख्या और नगरीकरण का हो, करंट अफेयर्स के सभी मास्टर वीडियो हो, और आने वाले समय में हर एक सब्जेक्ट आप सभी के लिए सबसे आसान करके जाऊंगा। तो सभी पे आप सुनते हैं और सुनने के बाद चीज़ें आपको याद होती हैं और परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपको सारे मिलते हैं, क्योंकि इसको मैं समग्रता के साथ पढ़ाता हूँ। यहाँ पर एक भी छोटी से छोटी चीज़ भी मैं छोड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में आने वाले 2 घंटे में एक व्यापक जानकारी आपके मस्तिष्क में भरने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आने वाले 2 घंटे में बहुत ईमानदारी से बैठेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके ध्यान को पूरी तरीके से आकर्षित कर लूँगा, इसकी टेंशन नहीं लेना। आपको 2 घंटे आपको पता भी नहीं चलेंगे कब बीत गए, आसानी से एक एक विषय बिंदुवार आपके दिमाग में प्रवेश कराता चला जाऊंगा और आसानी से आपको हर चीज़ याद होती चली जाएगी। तो बहुत निश्चिंत होकर के बैठिए, रिलैक्स होकर के बैठिए और सुनिए अपने देश के एक बहुत सांस्कृतिक विविधता वाले राज्य छत्तीसगढ़। वैसे हमारे राज्य, हमारे देश में जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, हर राज्यों के पास अपनी एक अपनी खुद की संस्कृति है। भाषाई आधार पर बांटें या धार्मिक आधार पर बांटें, सांस्कृतिक आधार पर बांटें, विभिन्न आधार हैं जिन आधारों पर आप देखेंगे हर एक राज्य की अपनी एक संस्कृति है। वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी है ना। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या आज के सेशन में जानकारी मिलने जा रही है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने मानचित्र बनाया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र है, ये राजनीतिक मानचित्र है। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ राज्य का एक मानचित्र आपको दिख रहा होगा, ये आपका सी हॉर्स की आकृति है, सी हॉर्स की, है ना, जैसे समुद्री घोड़ा होता है ना, दरियाई घोड़ा नहीं, समुद्री घोड़ा। तो सी हॉर्स की आकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस आकृति पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो है क्या है, ये आपका मानचित्र है। तो ये है प्राकृतिक मानचित्र और ये है आपका राजनीतिक मानचित्र। ये हमारा भारतवर्ष है और भारतवर्ष के सभी राज्यों को यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य को भी मैंने दिखाया है। और छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं अन्य राज्यों को जोड़ करके, वो भी आज यहाँ पर आपके सारे, ये तो मानचित्र में है। अब ये मानचित्र अपने आप में बहुत, अपने आप में अप्रतिम है, यहाँ पे हर एक राज्य के बारे में जान पाएंगे। अभी वर्तमान में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 28 राज्य, आने वाले समय में और संख्या बढ़ेगी क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में राज्यों की। आप देखेंगे जब बना था छत्तीसगढ़ तब 16 राज्य थे, सन 2000 की बात कर रहा हूं। इसके बाद फिर संख्या बढ़ी, राज्यों की संख्या बढ़कर के 18 हो गई, फिर 18 के बाद फिर संख्या बढ़ के 27 हो गई, और 27 के बाद अभी 28वां अभी लेटेस्ट बना है, और इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। टोटल 5 संभागों में इसे बांटा गया है। तो यहाँ पर राजनीतिक तौर पे आप देख रहे हैं, तो पहले मैं एक बार आपको राजनीतिक जानकारी जरूर दे दूंगा छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश से अलग होने से पहले भी इसका इतिहास है, है ना। 1861 से ही मध्य प्रदेश, इसके बारे में हम जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे और कैसे ये पूरा सन 2000 तक बना, कितनी मांगे हुई, कब से इसकी मांग चल रही थी, कौन कौन से संभाग थे जो पहले उपस्थित थे, कौन कौन से राज्य थे, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ये किस नाम से था, प्राचीन काल में इसको क्या जाना, किस नाम से जाना जाता था, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि एग्जाम से जुड़े हुए कोई भी विषय वस्तु आपके आज छूटने वाले नहीं है, टेंशन फ्री होकर के बैठना है, ठीक है। चलिए, तो पहले इसका राजनीतिक मानचित्र खंगालेंगे और फिर इसके बारे में सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आप सभी को सामान्य जानकारी दूंगा। इसके बाद कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के जाती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी है। तो कर्क रेखा में अवस्थित जिले कौन कौन से हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें भी हमें जानना है, इनसे भी पूछता है। मानक समय रेखा जो हमारी 82.5 डिग्री है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर के जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने घड़ी का समय जो है, जो 5.5 घंटा आप बढ़ाते हैं ग्रीनविच माध्य से, वो भी छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। तो उससे कौन कौन से जिले हैं, है ना, वो भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, सभी जितने भी राज्य हैं, जिले हैं, और सभी जिलों के अंतर्गत जो संभाग हैं, तहसीलें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, सब बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम पूरा डिटेल से हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, है ना, इसको लेकर के इतिहासकार क्या कहते हैं कि इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। 3 महत्वपूर्ण
पूर्ण मत हैं, इनको देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ का जो संबंध है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलवायु कैसी है, कृषि क्षेत्र कैसे है, कितने कृषि क्षेत्रों में इसे बांटा गया है ना, इन सभी बेसिक चीज़ों को आप जानेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक तौर पे छत्तीसगढ़ को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है, चार वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। पहला है आपका जसपुर समरी पाट प्रदेश, ये वाला जसपुर समरी पाट, पाट का मतलब होता है पठार के ऊपर का समतल क्षेत्र। चूंकि आपको पता है कि ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, नीचे बस्तर का पठार है, ठीक है, तो बस्तर का पठार ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये प्राकृतिक मानचित्र आप देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं यहाँ पे, मुख्य नदी, महानदी, अपवाह तंत्र है, पाँच प्रकार के अपवाह तंत्र हैं छत्तीसगढ़ में। पहला है आपका महानदी अपवाह तंत्र, और इसकी एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है शिवनाथ नदी, है ना, महानदी मुख्य नदी है और उसी की एक सहायक नदी है शिवनाथ नदी। तो एक आपका जो यहाँ पे प्रमुख कह सकते हैं कि यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है वो महानदी है, सबसे बड़ा जलीय अपवाह तंत्र इसी का है। दूसरे नंबर पे आपकी गोदावरी अपवाह तंत्र है, गोदावरी नदी है। और तीसरे नंबर पे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपका जो है सोन नदी तंत्र है, सोन नदी अपवाह यहीं पर है, नर्मदा नदी अपवाह यहीं पर है, और इसके बाद एक और है आपका जो इसको सोन नदी वाले को सोन नदी गंगा अपवाह तंत्र भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक आपका है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, बहुत छोटा हिस्सा है, नर्मदा का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा महानदी का है। तो ये अपवाह तंत्र देखेंगे, विभिन्न नदियाँ जो यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पठार हैं, है ना, उन पठारों के बारे में देखेंगे, मैदानी हिस्सा भी है, मैदानी हिस्से को भी जानेंगे, डंडका रंड के बारे में जानेंगे। तो जसपुर समरी पाट प्रदेश, फिर महानदी बेसिन, ये महानदी बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे मैदान आपको मिलेंगे, उच्च भूमि क्षेत्र भी यहाँ पर हैं। और इसके बाद जो है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये वाला हिस्सा, ये बघेलखंड का है, पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो बघेलखंड का पठार। और इसके बाद जो है आपका डंडका रंड का पठार, ये वाला हिस्सा, तो ज़्यादातर पठार ही है, लेकिन बीच में महानदी ने एक मैदान का भी निर्माण किया है, उच्च भूमियाँ भी हैं यहाँ पर, है ना। सभी नदियों को देखेंगे, पठारों को देखेंगे, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत डिटेल से आज जानने वाले हैं आप छत्तीसगढ़ के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आराम से मुझे सुनना है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, बस आपको मुझे सुनना है, बस और कुछ नहीं करना, अपने आप दिखने लग जाएगा, ठीक है, हर चीज़ दिमाग में छपती चली जाएगी। और आज का सेशन आप सभी के इतिहास में सबसे निर्णायक होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में आप रटते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, आज के बाद रटना भूल जाओगे। इस सेशन को आपके देखने के बाद आपके दिमाग की पूरी ऊर्जा, तो आने वाले दो घंटा आपको मुझे देने हैं, और दो घंटे के बाद आपको बिल्कुल टेंशन होकर के बैठ जाना है, टेंशन फ्री होना है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के सेशन को, और इजिली आपको एक एक चीज़ समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक बार छत्तीसगढ़ का राजनीतिक मानचित्र को देख लेते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक मानचित्र के बाद ही हम प्राकृतिक समझ पाएंगे, और अन्य जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, सुनते रहना है और सुनते सुनते याद कर लेना है, सिर्फ सुनना है। देखिएगा सुनते सुनते कैसे याद होता है, आज आपको पता चलेगा, ठीक है। या अन्य जितने भी मास्टर वीडियो आपने देखे हैं सभी पे आपको पता चलेगा, ठीक है। मास्टर वीडियो का हर एक एपिसोड आपको देखना है, हर एक एपिसोड। परीक्षा आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगी, चुटकियों में हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ कठिन नहीं है। जनरल स्टडी मैंने बहुत आसान कर दिया है, यदि आप देखेंगे आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं संभागों के बारे में। आप देख सकते हैं इसको हमने पांच संभागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, ठीक है। ये हैं आपके पांच संभागों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया गया है, ठीक। एक एक करके देख लेते हैं, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, कब अलग हुआ, कैसे हुआ, अभी आगे नेक्स्ट जब एक बार मैं संभाग समझा दूंगा, जिले समझा दूंगा, तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक संभाग को पकड़ेंगे, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, और उनमें जो जिले हैं उन जिलों के बारे में मैं बताता जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से इस मानचित्र को देखते जाइएगा और ध्यान से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका एक संभाग है जिसका नाम है सरगुजा, पहला संभाग है सरगुजा, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके पांच जिले हैं, ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत पांच जिले हैं। अभी आगे मैं इसके बारे में और डिटेल से आता हूँ। दूसरा संभाग है आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है। दूसरा संभाग कौन सा है, बिलासपुर। बिलासपुर के अंतर्गत छह जिले हैं, ठीक, एक जिला अभी बना है, ठीक है, तो अभी देख लेंगे।
गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये आपका अभी नया जिला है, 28वां जिला है, सबसे नवीनतम जिला है, वो भी इस संभाग में, बिलासपुर से ही जो है अलग करके इसे बनाया गया है, ठीक है। तो दूसरा संभाग है आपका बिलासपुर। जैसे उत्तर प्रदेश में मंडल होते हैं, कई जगह पे इसको जोन बोलते हैं, मंडल वैसे ही संभाग है, ठीक है। तो पहला है सरगुजा, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है आपका जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है वो है रायपुर, ठीक है। यहीं पर नया रायपुर है जो कि अटल नगर भी उसे बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। नया रायपुर शहर बनाया गया है, एक तरीके से सकते हैं भारत की स्मार्ट सिटी की तरह है और बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, उसे अटल नगर भी नाम दिया गया है, ठीक है। उसे अटल नगर भी, आपको जैसा कि पता है कि नाम परिवर्तन हो रहे हैं, तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर उसे अटल नगर भी कहा गया है। रायपुर तीसरा संभाग है, इसके अंतर्गत 5 जिले हैं, ठीक है। रायपुर से ही सीमा साझा करता है दुर्ग, ठीक है, और दुर्ग के अंतर्गत भी 5 जिले हैं। ये सबसे नवीनतम संभाग है, सबसे नवीनतम संभाग है, और इसमें जो है आपका 5 जिले इसके अंतर्गत भी हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, सरगुजा पहला, दूसरा है आपका बिलासपुर, तीसरा है आपका रायपुर, चौथा है आपका दुर्ग, और पांचवा, ठीक है, जो सबसे बड़ा संभाग है यहाँ का वो है बस्तर, ठीक है। आपने बड़ा नक्सली गतिविधियां सुनी होंगी, तो यहाँ पे बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, ये पूरा बेल्ट नक्सली बेल्ट भी है, नक्सलाइट बेल्ट भी है, ठीक है। तो अब नक्सली आंदोलन का अपना एक अलग इतिहास है, किस प्रकार से वो वामपंथी उग्रवाद में बदल गया, कैसे आज वर्तमान में वो राज्य के साथ हिंसक झड़प कर रहा है, कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिस तरीके से समाधानों को ढूंढा जाना चाहिए, नक्सलियों के द्वारा हिंसक तरीके से, ये एक लोकतांत्रिक राज्य को शोभा नहीं देता है, है ना। हिंसक और रक्तहीन क्रांति को, अहिंसक और रक्तहीन क्रांति को ही हम हमेशा एक बड़ी क्रांति का नाम दे सकते हैं। तो जो नक्सली है उन्हें मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, है ना। राज्य से बैर करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। राज्य हमारा लोकतांत्रिक है, जनोन्मुखी है, और निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा लगातार जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है और वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके बारे में हम अलग से देखेंगे कि कैसे नक्सलवादी आंदोलन जो है प्रारंभ होता है दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी गाँव से। कानू सन्याल और चारू मजूमदार ये जो व्यक्ति हैं, जो दो नेता हैं, और इसके बाद इसका लगातार विस्तार आज वर्तमान में पशुपति से लेकर तिरुपति तक, यानी आप देखेंगे नेपाल से लेकर पूरा महाराष्ट्र तक, है ना। आंध्र प्रदेश में तो अब जब से ग्रेहाउंड्स का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश में तो नक्सली आंदोलन काफ़ी कम हो गया, तो ये पूरा नक्सली बेल्ट है छत्तीसगढ़ का। यहाँ से बहुत सारी घटनाएं आप सुनते रहते हैं, है ना। यहाँ पे डंडका रंड है, ये डंडका रंड का क्षेत्र है, और यहाँ पर साल के बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पाए जाते हैं, साल के पेड़ पाए जाते हैं, सराई के पेड़ पाए जाते हैं, और इसीलिए साल द्वीप भी कहा जाता है डंडका रंड क्षेत्र को, सबसे घना जंगल, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और इसका ऐतिहासिक महत्व कहें तो पौराणिक महत्व भी है, पर जो रामायण में राम की बात करते हैं तो यहीं पर पंचवटी में डंडका रंड में ही राम का काफ़ी समय व्यतीत किया है श्री राम ने, है ना। चलिए अब चलिए मैं चर्चा करता हूँ, अब डिटेल से आपको एक एक चीज़ें समझाऊंगा। पहला संभाग मैंने बताया सरगुजा, ठीक। दूसरा संभाग आपको बताया बिलासपुर, तीसरा यहाँ पर है जस्ट नीचे रायपुर, ठीक है। रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और यहाँ पे बस्तर, 5 संभाग मैंने आपको बताए। अब हर एक संभाग की अंतर कितने जिले हैं, सबसे पहले चलते हैं सरगुजा के बारे में। सरगुजा के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। पहली बात, 5 जिलों हैं इस संभाग में, और ये संभाग आपका 2008 में बना था। कब बना था, 2008 में बना था सरगुजा, कब बना था संभाग, 2008 में बना था, ये जानकारी रखिएगा। अब इसमें देखो, इससे अलग करके बहुत सारे जिले बनाए गए हैं, बहुत सारे जिले हैं जिनके बारे में बाद में बताऊंगा, बट इससे कितने जुड़े हुए जिले हैं, पहले 5 के 5 जिलों के बारे में जानिए आप लोग। सबसे पहले सरगुजा खुद ही है, दूसरा है वैकुंठपुर, देखिए यहाँ पे ये वैकुंठपुर है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, फिर सूरजपुर, वैकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, और जसपुर। ये आप देखेंगे सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, ठीक है, माफ करिएगा, वैकुंठपुर में जो आपको बोल रहा था वो कोरिया का मुख्यालय है, माफ करिएगा थोड़ा सा इस चीज में, ये कोरिया है यहाँ पे, उसी का मुख्यालय है वैकुंठपुर, ठीक है, उसी का मुख्यालय वैकुंठपुर है। तो कोरिया, ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, फिर से एक बार सुनिएगा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, ठीक है, और सरगुजा, ठीक है, ये आपके 5 हो गए पहले संभाग में, ठीक है। दूसरे संभाग पे आते हैं, दूसरा संभाग है आपका बिलासपुर, ठीक। बिलासपुर में 6 जिले हो गए हैं, कौन कौन से हैं एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले खुद बिलासपुर है, दूसरा है यहाँ पे मुंगेली, ठीक है, ये भी आपका बिलासपुर से ही अलग हुआ था 2012 में, मुंगेली,
नेक्स्ट है आपका जो अभी नवीनतम बना है, इसका बोलते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही एक ही जिला है ये, और 15 अगस्त 2019 को जो नई सरकार अभी आई है, नई सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले से काट करके एक नया जिला ये बनाया है जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए, इसके बाद है आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, जांजगीर चांपा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर है आपका इसी से जुड़ा हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे रायगढ़ और कोरबा। अब छह के छह देखना है, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, ठीक है, मुंगेली, इसके बाद कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। फिर से एक बार देखिएगा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, ये छह जिले आपके बिलासपुर में हैं। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है आपका रायपुर के अंतर्गत चलते हैं। रायपुर के अंतर्गत पांच जिले हैं, रायपुर में पांच जिले हैं, इसी पे राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी भी रायपुर, नया रायपुर और अटल नगर जो बोलते हैं हम लोग। तो छह जिले हैं, ये संभाग आपका 1862 में बना था, 1862, समझ रहे हैं, 1862 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस समय लॉर्ड कैनिंग था, शायद उसी के टाइम पीरियड की घटना है। यहाँ पे इस पे कौन कौन से जिले हैं, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और रायपुर, पांच हो गए। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और रायपुर, पांच जिले ये हो गए। अब इसके जस्ट बगल पे दुर्ग है, यानी कि रायपुर के पश्चिम में जाएंगे तो दुर्ग है। दुर्ग जो है सबसे नवीनतम संभाग है, सबसे छोटा संभाग भी इसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा संभाग भी है और सबसे जो है ये 2013 में बना था, सबसे नया संभाग यही है। नवीनतम संभाग कौन सा है, दुर्ग। ठीक है, हर एक फैक्ट को आपको याद रख करते चले जाना है। ठीक है, दुर्ग आपका सबसे नवीनतम है और इसमें पांच जिले कौन कौन से हैं, पहले दुर्ग खुद है, बालोद है, राजनांदगांव, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजनांदगांव। क्षेत्रफल के आधार पे, किस आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला दुर्ग, है क्षेत्रफल के आधार पे, है ना। दुर्ग संभाग कब बना था, 2013 में दुर्ग संभाग बना, जिसके अंतर्गत पांच जिले हैं, पहला है दुर्ग, दूसरा है राजनांदगांव, बालोद भी इसी के अंतर्गत है, कवर्धा का 2003 में नाम परिवर्तन करके कबीर इसका नाम रख दिया गया था, कबीरधाम। तो कवर्धा का 2003 में नाम परिवर्तित किया गया और नाम रख दिया गया कबीरधाम, तो इसे कबीरधाम भी कहते हैं। बेमेतरा, ठीक है, तो अब टोटल पांचों को देखेंगे एक बार, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा और बेमेतरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रायपुर हो गया, देखिए कितने हो गए, सरगुजा के देख लिए पांच, बिलासपुर के देख लिए, रायपुर में देख लिए, रायपुर के बाद दुर्ग। ठीक है, दुर्ग होने के बाद नेक्स्ट आते हैं बस्तर, सबसे बड़ा संभाग यही है। बस्तर में सात जो है आपके जिले हैं, और ये संभाग 1981 में बना था, मतलब जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था ये, तभी मान सकते हैं। इसका मुख्यालय जगदलपुर है, बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से इसमें, पहला है कोंडागांव जिला है, कांकेर जिला है, कोंडागांव कांकेर जिला नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा बस्तर, पूरे के पूरे सात जिले देखिएगा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सात के साथ फिर से सुनिए, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है, इजली ये तीन बहुत हाईलाइटेड रहते हैं, कभी भी बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इनका लगातार नाम आप सुनते रहते हैं। ठीक है, और मैं आगे भी बताऊंगा, ये जो पूरा नक्सली आंदोलन है इसको लेकर के एक पर्सन थे महेंद्र कर्मा का आपने नाम सुना होगा, और विगत कुछ साल पहले हमने सुना कि नक्सली एक घटना पे ही उनको जो है मार दिया गया, बम विस्फोट से उड़ा दिया गया। महेंद्र कर्मा जो है इन्होंने सलवा जुडूम की स्थापना की थी, और सलवा जुडूम का उद्देश्य था कि नक्सलियों के
प्रतिरक्षा में एक नया जो है वहाँ पर गांव के लोगों को ही एक शांति मार्च के तौर पे नक्सली संगठनों के मुकाबले में खड़े करना और राज्य का इसमें पूरी तरीके से सपोर्ट था। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को बैन कर दिया था, ठीक है, शांति मार्च बोलते हैं सलवा जुडूम को वहाँ पर लोकल भाषा में। लेकिन कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष थे, मैंने ये चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया भी है, लेकिन चलिए मैं चर्चा करूँगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए, फिर से मैं एक बार सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि ये आपके क्लियर हो जाए। 28 जिले हैं टोटल, ठीक है। नवीनतम जिला कौन सा बना है? गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला है। अब ध्यान से सुनिए, पहला है सरगुजा, सरगुजा के अंतर्गत 5 जिले कौन कौन सा? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा। कौन कौन सा? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा। इसके बाद दूसरा है बिलासपुर, बिलासपुर में 6 जिले हैं, पहला है मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, रायगढ़, जंजीगार, चांपा और बिलासपुर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रायपुर, रायपुर आपका राजधानी है छत्तीसगढ़ की, नया रायपुर, यहाँ पे नया रायपुर राजधानी प्रस्तावित की गई थी, अटल नगर का नाम रखा गया है। तो रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ठीक है, 5 जिले ये हो गए। दुर्ग के 5 जिले, दुर्ग में 5 जिले हैं, बेमेतरा, कवर्धा, कबीरधा को ही गफीरधाम कहते हैं, राजनांदगांव, बालोद, ठीक है, और दुर्ग, ये हो गए 5, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, ठीक है। इसके बाद हम बस्तर संभाग में आते हैं, बस्तर में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये 5 आपके हो गए, ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बता देता हूँ, 2015 में कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर बोला गया, इसका भी नाम परिवर्तित हुआ, कांकेर का नाम उत्तर बस्तर का बस्तर कांकेर रख दिया गया। क्या रख दिया गया? उत्तर बस्तर कांकेर। कब? 2015 में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है दंतेवाड़ा, इसको भी 2015 में इसका नाम रख दिया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो 2015 में इनके भी नाम में परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका जगदलपुर है, जगदलपुर में जनजातियाँ यहाँ पे बड़ी संख्या में गोंड जनजाति के, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, और जगदलपुर को छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम भी कहा जाता है, जगदलपुर जो है ये मुख्यालय। तो ये हो गई बात है, अब सभी के मुख्यालय देख लेते हैं, सभी जितने भी जिले हैं सभी जिलों के मुख्यालय देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कोरिया, कोरिया का मुख्यालय, कोरिया जिले का मुख्यालय वैकुंठपुर है, कोरिया जिले का मुख्यालय वैकुंठपुर है। देखो आमतौर पे कई सारे जिलों के मुख्यालय उस जिले के नाम से ही होते हैं, लेकिन कुछ एक दो आपको एक्सेप्शनल मिलेंगे, जैसे कोरिया, कोरिया का मुख्यालय वैकुंठपुर, सूरजपुर का मुख्यालय सूरजपुर, बलरामपुर का मुख्यालय बलरामपुर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जसपुर का मुख्यालय जसपुर नगर है, ठीक है, ठीक है, जसपुर नगर है, जसपुर का मुख्यालय जसपुर नगर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रायगढ़, रायगढ़ का मुख्यालय रायगढ़ है, कोरबा, कोरबा का मुख्यालय कोरबा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही का मुख्यालय जो है आपका यही है, गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला है आपका, बिलासपुर का मुख्यालय बिलासपुर है, मुंगेली का मुख्यालय मुंगेली है, जांजगीर चांपा का मुख्यालय जांजगीर है, जांजगीर चांपा का मुख्यालय जांजगीर है, कवर्धा का मुख्यालय कवर्धा है, बेमेतरा का मुख्यालय बेमेतरा है, ठीक है, राजनांदगांव का मुख्यालय राजनांदगांव है, बालोद का मुख्यालय बालोद है, दुर्ग का मुख्यालय दुर्ग है, रायपुर का मुख्यालय रायपुर है, महासमुंद का मुख्यालय महासमुंद है, गरियाबंद का मुख्यालय गरियाबंद है, धमतरी का मुख्यालय धमतरी है, बालोद का मुख्यालय बालोद है, कांकेर का मुख्यालय कांकेर है, कोंडागांव का मुख्यालय कोंडागांव है, नारायणपुर का मुख्यालय नारायणपुर है, बीजापुर का मुख्यालय बीजापुर है। इसके बाद आपका सुकमा का मुख्यालय सुकमा है, दंतेवाड़ा का मुख्यालय दंतेवाड़ा है, बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है दो जिले निकल के आए हैं, दोनों जिलों को ध्यान से देखिएगा, एक ये है सरगुजा, सरगुजा का आपका है अंबिकापुर, ठीक है। तो आपके कितने हो गए? 3 जिले हैं, 3 जिलों के मुख्यालय भिन्न नामों से हैं, कोरिया का वैकुंठपुर, कोरिया का वैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, कोरिया का वैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, और आपका बस्तर का जगदलपुर, बस्तर का जगदलपुर। तो कोरिया, सरगुजा, बस्तर, कोरिया का वैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर और बस्तर का जगदलपुर। क्लियर आउट, बहुत इजी है, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप जो है इसे जान जाएंगे। क्लियर, ये आपको मैंने मुख्यालय बता दिए, पहले मैंने आपको सारे जिले बता दिए, संभागों के अंतर्गत कौन कौन जिले हैं, दूसरे नंबर पे हमने मुख्यालय देख लिया, ठीक है। अब चलिए एक बार बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, तो इसको लेकर 3 मत हैं,
पहले हैं बेगलर महोदय। बेगलर महोदय के द्वारा इसको पौराणिक रूप से जोड़ा गया और जरासंध के शासनकाल से जोड़ा गया इसको, ठीक है। तो बेगलर महोदय कहते हैं कि जरासंध के काल में छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण, इस क्षेत्र में 36 परिवार जरासंध के काल पे पलायन कर गए और उसी के नाम से जो है यहाँ पर, जहाँ पर ये 36 परिवार पलायन हुए उसी के नाम से इसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया। तो पहले तो ये जो है आपका बेगलर महोदय कहते हैं। एक और प्रश्न है हीरालाल जी के अनुसार, हीरालाल ने क्या कहा। हीरालाल जी का कहना है कि ये महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ में चेदी महाजनपद के अंतर्गत ये आता था और कालांतर में चेदीगढ़ के नाम से इसको, चेदीगढ़ से छत्तीसगढ़ बन गया, उसी का अपभ्रंश जो है चेदीगढ़ से छत्तीसगढ़ बन गया। तो हीरालाल जी के अनुसार ये है कि ये चेदी चूंकि महाजनपद के अंतर्गत था इसे चेदीगढ़ बोलते थे और चेदीगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये दो मत आपके निकल के आए, ठीक है। तीसरा है इतिहासकार चिम्स महोदय का कहना है कि कलचुरी शासक कल्याण साय ने जामबंदी प्रथा के अंतर्गत इस क्षेत्र में 36 गढ़ बनाए, ठीक है, और जो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे, दोनों को मिला दे 36 गढ़ होते हैं, उसी के नाम पर ये 36 गढ़ हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे एक नदी है, ये आपकी शिवनाथ नदी है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे शिवनाथ नदी के बारे में। इसका उद्गम यहीं पे गोडरी गांव, गोडरी पहाड़ियाँ है ना, ये गोडरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर गोडरी की पहाड़ियों से शिवनाथ नदी निकलती है और ये गढ़चिरौली के पास जो है आपका कहाँ पे मिल जाती है, गढ़चिरौली के पास जो है ये मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है, ठीक है। तो शिवनाथ नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक बार, उत्तर से महानदी में मिलने वाली, उत्तर से मिलने वाली ये जो है आपकी प्रमुख कह सकते हैं बाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है मतलब तीनों के अलग अलग मत है। बेगलर महोदय ने पौराणिक जोड़ दिया इसको, जरासंध से जोड़ दिया कि जरासंध के काल पे 36 परिवारों का पलायन हुआ था और यहीं से जो है ये आपका छत्तीसगढ़ बन गया। और हीरालाल जी के अनुसार, हीरालाल जी का कहना है कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कालांतर में चेदी से ही चेदीगढ़ बना और चेदीगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद इतिहासकार चिस्म महोदय का कहना है कि कलचुरी शासक कल्याण साय ने जामबंदी प्रथा के तहत यहाँ पर क्या किया, छत्तीसगढ़ बनाए और छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे, जिसके कारण से इसको छत्तीसगढ़ कहा गया। तो ये नामकरण को लेके कुछ है। अब छत्तीसगढ़ बना कैसे, एक बार पूरा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने क्रम से लिखा है। शुरुआत करते हैं 1861 से, ठीक है। 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये नागपुर जो रीजन है ये ब्रिटिश प्रांत है एक तरीके से। तो 1861 में 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया, मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र ये तीनों सम्मिलित थे। तो पहले ही क्या था 1861 के समय, ब्रिटिश प्रांतों के समय, देखो 1861 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले ही 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था, महारानी का शासन सीधा यहाँ पे चलना प्रारंभ हुआ था। तो 1858 का एक्ट आया था और उसको भारतीय शासन अधिनियम बोला गया और इसके बाद फिर 1861 का भी अधिनियम आया, तो उसी के बाद जो है इसको ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत क्या किया गया, इसको गठन किया गया। तो शुरुआत में किसका ये हिस्सा था 1861 में, ब्रिटिश प्रांत का, जिसके अंतर्गत ये मध्य प्रांत में था। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। 1862 में मध्य प्रांत को 5 संभाग बनाए गए, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया, छत्तीसगढ़ को एक अलग संभाग ही डेवलप किया गया, ठीक है। तो मध्य प्रांत को 5 संभागों में बांटा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग था। इसका मुख्यालय बनाया गया था रायपुर, ठीक है, मुख्यालय इसका रायपुर था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसी दौरान जो है संबलपुर को बंगाल प्रांत से 5 रियासतें, कोरिया, चोगभकार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, ठीक है। तो 1905 में जो है आपका जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और उसी दौरान जो है संबलपुर को बंगाल प्रांत से तथा 5 रियासतें कौन कौन सी हैं, कोरिया, ठीक है, ये आपका जो सबसे ऊपर वाला ये हिस्सा है ना, कोरिया रियासत, ठीक है, देसी रियासतों के अंतर्गत थी कोरिया रियासत, चोगभगार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और 1905 में ही छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप सबसे पहले सामने निकल के आया, 1905 में, ठीक है, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ।
तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मानचित्र कब बना? 1905 में, ये कहा जा सकता है। कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के दौरान। आपको पता है कि बंगाल विभाजन किया गया था और बाद में इसे वापस कर लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो बंगाल को कमज़ोर करने के लिए, चूंकि बंगाल भारत की राजनीतिक और बौद्धिक कह सकते हैं कि राजनीतिक मुखरता का प्रतीक था, सबसे ज़्यादा राजनीतिक आंदोलन और सबसे प्रबुद्ध लोग वहीं पर थे, तो उसको किस तरीके से ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए उसने जो है भाषाई और धार्मिक आधार बनाए, और प्रशासनिक कारणों से उसको बताया कि प्रशासन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बंगाल विभाजन किया गया, बहुत सारे कारण है। फिर देश में एक व्यापक स्तर का स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन को वापस भी लेना पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन आपका सामने आया था, तो उसी दौरान जो है ये घटना हुई, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग हैं, इनका नाम याद रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, ठीक है। तो आता ही इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है? 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा। तो उन ये याद रखेगा, पहली बार जो छत्तीसगढ़ का एक पूरा मानचित्रण देने का काम सुंदरलाल शर्मा ने किया, ठीक है। अगला, 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक कर छत्तीसगढ़ की मांग प्रारंभ हो गई, ठीक है। एक रायपुर जिला परिषद है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग 1924 से प्रारंभ होनी शुरू हुई। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, जिन्होंने पहला रेखा चित्र बनाया था, ठीक है, उन्होंने ही 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा जी का एक बड़ा योगदान है इस चीज़ में। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हम कहते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के प्रतिनिधि दोनों के बीच में एक अध्यक्षता के पद को लेकर कांग्रेस में चुनाव हुआ और सुभाष जीते, लेकिन बाद में उन्होंने पद त्याग कर दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो उसी दौरान पे जो है सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। 1946 में ठाकुर प्यारे लाल ने पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। तो एक संस्था बनाई गई, एक मंच बनाया गया एक विरोध के लिए, इसका नाम है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। कब बनाया गया? 1946 में। किसने बनाया? ठाकुर प्यारे लाल ने, ये याद रखना है, ठाकुर प्यारे लाल ने बनाया, 1946 में बनाया, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। इसके बाद नेक्स्ट है, 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि चार हिस्सों में राज्यों को बना दिया गया था, बरार भी एक रियासत थी, तो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। 1955 में रायपुर के विधायक, इनका नाम याद रखिएगा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो पहला विधायी प्रयास था, मतलब कि पहली बार जो है सदन में जाकर के इस चीज को बोलना, तो पहला लीगली प्रयास किसने किया? ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। इसके बाद 1956 में, देखो एक दिन में नहीं बना कि आपको लगता है कि सन 2000 में ऐसे संसद ने बिल पारित कर दिया, इतना आसान नहीं था, लगातार डिमांड चली आ रही थी, तो इसका पूरा मैं हिस्टोरिक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 1956 जब राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर राज्यों का बनना प्रारंभ हुआ, और 1 नवंबर 1956 को जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया उसी के तहत, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश का गठन किया गया और मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ को सम्मिलित कर दिया गया। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनाथ गांव में पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, तो एक संस्था बनाई खूबचंद बघेल जी के द्वारा, 1956 में बनाई गई, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, जिसके महासचिव बनाए गए दशरथ चौबे। कौन बनाए गए? दशरथ चौबे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक संस्था 1956 में बनी, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बनाई, नाम क्या था? राजनाथ गांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, महासचिव बनाए गए इसके दशरथ चौबे। 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा राजनाथ गांव में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए क्या बनाई गई? एक और संस्था बनाई गई, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ भ्रातत्व संघ, ठीक है। दो संस्था, पहली है छत्तीसगढ़ महासभा, कब बनी? 1956 में। दूसरी है छत्तीसगढ़ भ्रातत्व संघ, 1956
67 में। ये भी खूबचंद बघेल के द्वारा बनाई गई, जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। उपाध्यक्ष कौन था इसका? द्वारिका प्रसाद तिवारी। 1976 में शंकर नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया, एक और संस्था बनाई गई। देखो लगातार बड़े स्तर पर एक मंच बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोग जो है जिसके माध्यम से संगठित हो सकें और संगठित होकर के एक व्यापक स्तर पर राज्य के पृथक राज्य की मांग के लिए एक व्यापक जन आंदोलन चलाया जाए, ठीक है। तो उस दिशा में 1976 में शंकर लाल नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। 1983 में पवन दीवान के द्वारा एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। पवन दीवान के द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई 1983 में, पवन दीवान के द्वारा, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग जितने भी संगठन है याद रखिएगा। 1994 में तत्कालिक विधायक गोपाल परमार के द्वारा एक संस्था बनाई गई, ठीक है। 1994 में तत्कालिक विधायक गोपाल परमार के द्वारा सर्वप्रथम विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, मतलब कि एक उन्होंने क्या किया, एक बिल प्रस्तुत किया, एक विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन यह अशासकीय था। तो 1994 में संसद में जो है तत्कालिक विधायक गोपाल परमार के द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश विधानसभा, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ नहीं था, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, ये याद रखिएगा, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए क्या किया गया, एक संकल्प पारित कर दिया गया। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संसद भारत के किसी भी राज्य को पृथक करके दो राज्य बना सकती है, या दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सब कुछ प्रावधान अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, जब कभी भी राज्य का निर्माण करना है तो जरूरी क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य के विधानसभा, जो राज्य उससे जुड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं, वो बिल भेजते हैं, वहां पर सदन में डिस्कशन होता है। जरूरी नहीं है कि वो सदन उस बिल को पारित ही कर दे, हो सकता है कि उसका विरोध भी हो, लेकिन राष्ट्रपति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राष्ट्रपति उनकी बात माने या ना माने, सुझाव माने तो संबंधित, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा ये संकल्प पारित कर दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सदन, नए राज्य के निर्माण का कार्य संसद का होता है, ठीक है। तो नए राज्य का निर्माण कार्य अनुच्छेद 3 संसद करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए क्या किया, एक शासकीय संकल्प पारित किया। सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। क्या लाया गया सन 2000 में? मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए एक विधेयक लाया गया, ठीक है। और इस विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय क्या थे, देश के गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री का पद भी बोला जाता है। तो लोकसभा में 25 जुलाई सन 2000 की बात कर रहे हैं, 2000, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, पारित हो गया। 6 दिन बाद यानी 31 जुलाई को ये पारित हो गया लोकसभा से। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 कब लोकसभा से कब पारित हुआ? 31 जुलाई सन 2000 को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये विधेयक आपको चूंकि पता है कि ये विधेयक कहाँ जाएगा, ये विधेयक जाएगा राज्यसभा में। इसके बाद राज्यसभा में पहुंचा विधेयक, तो राज्यसभा में ये विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? 3 अगस्त को यह विधेयक प्रस्तुत हुआ। 9 अगस्त को यह विधेयक पारित हो गया, वहां से भी, कहाँ से पारित हो गया? राज्यसभा से। राष्ट्रपति के द्वारा 28 अगस्त सन 2000 को क्या किया गया? अनुमति प्रदान कर दी गई। तो डॉक्टर इस समय K.R. नारायण हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये ध्यान रखिएगा 28 अगस्त सन 2000 को क्या किया गया इस विधेयक को। लेकिन ये लागू कब से हुआ? लागू हुआ 1 नवंबर सन 2000 से, ठीक है। तो वर्ष 2000 में ये पूरा विधेयक जो है आपका एक पूरी प्रक्रिया के तहत, पहले एक संकल्प आया 1998 में, इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा में आया, फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई को, फिर 31 जुलाई को लोकसभा से पास कर दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 3 अगस्त को राज्यसभा में गया, 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया, 28 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पारित कर दिया गया। तो ये डेटे याद रखिएगा, 25 जुलाई लोकसभा में प्रस्तुत, 31 जुलाई लोकसभा से पास, 3 अगस्त राज्यसभा में प्रस्तुत, 9 अगस्त राज्यसभा से पास,
ठीक है। और 28 अगस्त में क्या हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा, इस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। कौन थे इस समय मुख्यमंत्री? दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। इसके बाद जो कांग्रेस में हैं अभी भी हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये पहला राज्य, ये अब भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद एक और पुनर्गठन विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा से गया हुआ था उत्तराखंड को अलग करने के लिए, तो 27वां राज्य आपका 9 अगस्त को अलग हुआ। तीन सन 2000 में तीन राज्य बने हैं, एक छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर के, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो 26वां आपका 25वां गोवा था, 26वां आपका जो है छत्तीसगढ़ हो गया, 27वां आपका जो है उत्तराखंड 9 अगस्त सन 2000 को ये बना, और 28वां राज्य आपका झारखंड था जो कि 15 नवंबर सन 2000 को बना। और आपको जैसा कि जानकारी होगी कि इसके बाद 29वां राज्य जो है आपका तेलंगाना बना था सन 2014 में, है ना, किससे, आंध्र प्रदेश से पृथक होकर के। और लेटेस्ट यदि देखें तो 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है भारतवर्ष में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली जो था आपका उसको भी दमन के साथ जोड़ दिया गया, दमन द्वीप के साथ जोड़ दिया गया, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ निर्माण प्रक्रिया है पूरी के पूरी। छत्तीसगढ़ कब बना? तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बना, ठीक है, किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। और पूरे जो एक पूरा ऐतिहासिक है इसको एक बार दोबारा रिमाइंड करके सुनिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देश का 26वां राज्य बना। इसी दौरान देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? नवीं पंचवर्षीय योजना, ये भी याद रखिएगा। देश में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये बनाया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से लेकर सन 2002 तक थी, और सन 2000 में राज्य बना था, ठीक है। अब तो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई, पंचवर्षीय योजना बनाने वाली संस्था योजना आयोग भी खत्म हो गई। 1 जनवरी 2015 से उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया, है ना, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, है ना, तो नीति आयोग बन गया। अब नीति आयोग के द्वारा जो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनको तीन स्तरीय योजनाओं में बदल दिया गया है, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और दीर्घकालिक 15 वर्षीय, ऐसे करके 3 योजनाएं ये बदल दी गई हैं, ठीक है। तो राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? राजधानी जैसा कि मैंने बताया कि रायपुर, नया रायपुर क्षेत्र है, अटल नगर नाम इसका रखा गया है, और अटल नगर सीएम रमन सिंह जो कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया था उनके द्वारा रखा गया है। विधानमंडल यहाँ का एक सदनी है, मतलब यहाँ पे एक ही सदन है, दो सदन भी हो सकते हैं, विधान परिषद भी कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद, लेकिन यहाँ पर एक सदनी है, ठीक है। तो एक सदनी है, विधानसभा की टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 90 सीटें विधानसभा की हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, 90 सीटों में से विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 90 सीटें टोटल हैं, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 29 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। कितनी रखी गई हैं? 29, याद रखिएगा, पूछा जाएगा प्रश्न। तो अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने बताया बस्तर जिले में गोंड जनजाति और बहुत सारी, लगभग बहुत बड़ी संख्या में जनजातियाँ, मैं बताऊँगा कौन कौन सी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो आपका विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी की 29 सीटें, एससी कैटेगरी की 10 सीटें, ठीक है, एससी कैटेगरी की आपकी टोटल कितनी है? 10 सीटें हैं। और इस तरीके से जनरल के लिए कितनी बची? 51 सीटें। तो 29 एसटी अनुसूचित जनजाति, एससी कैटेगरी के लिए 10 सीटें अनुसूचित जाति, और जनरल कैटेगरी के लिए 51 सीटें, ठीक है। इसका जो उच्च न्यायालय है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे नवीनतम संभाग आपका जो सितंबर 2013 में बना था ये दुर्ग है, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग है। थोड़ा सा चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे। राज्य के समय हमारे जो उस समय जब राज्य निर्माण हुआ था तो राज्य निर्माण के समय राष्ट्रपति के आर नारायण थे, मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, और प्रधानमंत्री आपको पता ही है अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे हमारे, ठीक है। संभागों की संख्या 5 हमने पूरी देख ली, जिलों की संख्या 28 है, जिले 28 हैं, संभाग 5 हैं। अब यहाँ पे कुछ याद रखिएगा, तहसीलों की संख्या, बहुत कन्फ्यूजन है, किताबों में अलग अलग मिलेगा, ये डेटा मैंने विकिपीडिया से उठाया है जो लेटेस्ट है, 177 तहसीलें हो गई हैं, 177, कितनी हो गई हैं? 177 तहसीलें। 15 जिलों में 23 नई तहसीलें अभी बनाने की मंजूरी दी गई है, उसकी अधिसूचना भी आ चुकी है।
तो 15 जिलों में 23 नई तहसीलें बनाई जाएंगी। इसके अधिसूचना के साथ ही टोटल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 177। छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं, 5 संभाग हैं, 177 तहसीलें हैं। याद रखना चाहिए आपको, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके जो विकास खंड है, देखो ये जो 177 तहसीलें हैं ना, इसका जो अधिसूचना जारी हुआ था 11 नवंबर सन 2020 को, मतलब लेटेस्ट, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कोविड के दौरान ही ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। विकास खंड की संख्या जो है वो है 146। विकास खंड कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 146। टोटल विकास खंड कितने हैं, 146। नगर पालिका कितनी है, 43। नगर पालिका 43, 43 नगर पालिका है, और नगर निगम 14 है, नगर निगम 14 है। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस 74वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ था उसी के तहत जो है, और नगर पंचायतों की संख्या 111 है। फिर से एक बार आप ध्यान से सुनना है, 5 संभाग, 28 जिले, 177 तहसील, 146 आपके विकास खंड हैं, 146 विकास खंड हैं, 146 विकास खंड हैं, नगर पालिका कितनी है, 43 नगर पालिका हैं, 14 नगर निगम हैं, और नगर पंचायतों की संख्या 111 है। क्लियर, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। अब एक बार थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने भारत का मानचित्र बनाया है, और यहाँ पर एक बार जो है हम भारत के अभिन्न अंग छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ का अच्छांसी और देशांतरी विस्तार, इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। भारत का तो मैंने आप लोगों को रटवा ही दिया था कि भारत का अच्छांसी और देशांतरी विस्तार आसान है। अच्छांश और देशांतर क्या है, ये पृथ्वी पर जो भौगोलिक दूरियां हैं उनको नापने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, मूल बिंदु से कोणीय दूरी। तो अंश के तौर पर अच्छांश क्या है, जो पूर्ण वृत्त के तौर पर हैं, और जो कैसे खींचे जाते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में खींचे जाते हैं या पूरब से पश्चिम खींचे जाते हैं, ये हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और दूसरी हैं आपकी देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव मिलाती हैं, अर्धवृत्त होती हैं, अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं। खूब भूगोल में पढ़ा दिया है, भूगोल का इंटायर वीडियो है, वहाँ पे भी बता दिया है, मास्टर वीडियो में भी बता दिया है, एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अक्षांशी विस्तार, तो भारत का तो मैंने बहुत आसानी से रटवाया था आपको, मुख्य भूमिका था कितना, 8° 4' से लेकर के 37° 6' तक उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध पे, है ना, तो सब उत्तरी अक्षांश होंगे। और भारत किस गोलार्ध पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध पे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे पड़ता है, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध, है ना, विषुवत रेखा से ऊपर है। और 0° जो आपका जो ग्रीनविच माध्य है लंदन के, कहाँ पड़ता है, पूरब में पड़ता है, इसलिए इसे पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में है। तो अक्षांश 8° 4' उत्तरी अक्षांश से 37° 6', है ना, और जो देशांतर है आपका 68° 7' से लेकर के 97°25 तक, मतलब ये पूर्वी देश है, ये भारत का हो गया। इसी तर्ज पे हम लोग एक बार किसका देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का देखेंगे। चलिए, तो अब छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक बार हम लोग अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा है, और कर्क रेखा गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड की रांची से, और फिर इधर आपका, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होकर के जाती है, मणिपुर से नहीं जाती कर्क रेखा, 8 राज्यों से जाती है। तो कर्क रेखा जो है आपकी कहाँ से जाती है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से जाती है। छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा जाती है, आपको याद रखने चाहिए। 23.5° उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। 3 जिले कौन कौन से हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, 3 जिले हैं यहाँ पर। कर्क रेखा 3 जिलों से होकर जाती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर, कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर, कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर। तो 23.5° उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है कहाँ से होके जाती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। 23.5° दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, दक्षिणी जो है आपका अक्षांश है, ये आपका उत्तरी अक्षांश, 23.5° उत्तरी अक्षांश, ठीक है। सूर्य चूंकि पृथ्वी जो है हमारी क्या है, 23.5° टिल्टेड है, तो सूर्य जो है आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में गतिमान रहता है वर्ष भर, तो इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5° को कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश को, और 23.5° तो कर्क रेखा यहाँ जाती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। देखो रट लेना है आपको, भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीज को, ठीक है। अब चलिए, अब इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देखिए 8° 4' आपका यहाँ पे कन्याकुमारी के पास है, तो इससे ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, है ना। तो जो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम जिला है इसका सुकमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सुकमा।
ये है आपका 17 डिग्री 46 मिनट। कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट। तो आपका 17 डिग्री 46 मिनट से प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है आपका? ठीक है, छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण पूरब में पड़ता है, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूरब में पड़ता है। तो इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका सुकमा जिला, सुकमा जिला सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका, सुकमा जिला इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखिएगा, सुकमा जिला इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सुकमा जिला इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे दक्षिणतम जो आपका यहाँ पे एक जगह है सुकमा में, एक तहसील है जिसका नाम है कोंटा, कोंटा तहसील जो है वो सबसे दक्षिणतम है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ से प्रारंभ होता है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17:46 से लेके 24:05। देखो ऐसे याद रखिए, 17:46 24:05 17:46 24, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना है आपका? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपको रट लेना है, बहुत ईजी है, कठिन नहीं है, ठीक है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका अब देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। इसका सबसे जो उत्तरतम जिला है, उत्तरतम जिला है बलरामपुर, सबसे दक्षिणतम जिला है सुकमा, सबसे उत्तरतम जिला है बलरामपुर। तो 24 डिग्री 5 मिनट पे जो आपका है, यहाँ पे एक तहसील है जिसका नाम है रामानुजगंज, रामानुजगंज जो तहसील है, ये तहसील आपकी सबसे उत्तरतम तहसील के नाम से इसको हम जानते हैं। सबसे उत्तरतम तहसील क्या है आपकी? रामानुजगंज, ठीक है। तो कितना है? 24 डिग्री 5 मिनट, क्लियर। रामानुजगंज सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बलरामपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सुकमा। इजी है, बहुत इजी है, इतना सुकमा सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तर बलरामपुर। अब सबसे पश्चिमी जिला जो है, सबसे पश्चिमी, अब देशांतरी पूर्वी देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के छत्तीसगढ़ आपका जो है वो है 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कितने से कितने तक? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो 80 डिग्री 15 मिनट जो आपका है ये है बीजापुर, ये सबसे सुदूर पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला है बीजापुर, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, याद कर लीजिए। सबसे पूर्वी, पूर्वी इसका देखिए 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो सबसे पूर्वी जिला है आपका जसपुर, ठीक है, जसपुर, जसपुर सुदूर पूर्व जिला आपका जसपुर है। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लेना है, देशांतरी विस्तार 17:46 17 डिग्री 46 मिनट, सुकमा जिला सबसे दक्षिणतम, और 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी। तो 17:46 से लेके 24:05 ये है अक्षांशीय विस्तार। इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 80 15 80 15 यानी 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 80 15 से लेकर के 84 25 और 17:46 से लेकर के आपका 24:05। इजी, बहुत आसान है, इसको बिल्कुल रट लीजिए। सबसे उत्तरतम जिला बलरामपुर, सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, सबसे पूर्वी जिला जो है जसपुर। तो तीन पुर हैं, पूर्वी में जसपुर, उत्तर में बलरामपुर, पश्चिम में बीजापुर। बहुत आसान है, बीजापुर, बलरामपुर, जसपुर और सबसे नीचे सुकमा, तो है ही आसान है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी इसके भी होनी चाहिए। तो ये था अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब एक बार बात ये कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से सीमा साझा करता है, 7 राज्यों से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, क्रम से देखिए एक बार। हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलें या क्लॉकवाइज देख लेते हैं, क्लॉकवाइज। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुत कम सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ से, ये है उत्तर प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा करने वाला भी उत्तर प्रदेश ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक जिला है बलरामपुर, ये जो बलरामपुर जिला है ना, जो सबसे उत्तरी जिला, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश लगता है आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ से सीमा चाहे बलरामपुर और सोनभद्र की बॉर्डर लगती है, सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बलरामपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, ये छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है, ठीक है।
इसके बाद जाएंगे, वापस आएंगे, बिहार की बॉर्डर नहीं लगती, झारखंड की लगती है। झारखंड में दो जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ के, पहला है बलरामपुर और दूसरा है जसपुर। बलरामपुर और जसपुर ये छत्तीसगढ़ से झारखंड से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ईजी है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा है उड़ीसा। उड़ीसा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला उड़ीसा, माफ़ करिएगा एक थोड़ा सा यहाँ पे सुधार है, सबसे कम सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश, सबसे कम सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश, सबसे कम सीमा आंध्र, उत्तर प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश है, क्लियर रखिएगा, थोड़ा सा आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद हम आएंगे इधर, क्या है ये आपका झारखंड, इसके बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। उड़ीसा से आठ जिले, छत्तीसगढ़ के आठ जिले जो है सीमा साझा करते हैं। पहला है जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। अभी देखेंगे एक एक करके सारे जो है यहाँ पर ये हैं आपके, ठीक है, चलिए। इसके बाद उड़ीसा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश। एक ही जिला लगता है सुकमा जिला, ये सुकमा जिला जो है आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश से सुकमा जिला सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तेलंगाना, तेलंगाना भी, तेलंगाना के दो जिला हैं बीजापुर और सुकमा, दो जिला छत्तीसगढ़ के दो जिले जो है बीजापुर और सुकमा, सुकमा और बीजापुर ये तेलंगाना से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चार जिले लगते हैं इसके, अभी जिले देख लेंगे महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अब टोटल एक बार फिर से मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सात राज्य हैं। सातों राज्यों को फिर क्रम से देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर से एक बार क्रम से देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है उड़ीसा, ये है आपका उड़ीसा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले हैं, जसपुर उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, रायगढ़ उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, महासमुंद उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, गरियाबंद उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, कोंडागांव उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, बस्तर उड़ीसा के साथ, सुकमा उड़ीसा के साथ। तो ये टोटल जो है आठ जिले हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक ही जिला है सीमा साझा करता है, सुकमा, सुकमा आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सुकमा के बाद आपका तेलंगाना में दो जिले हैं आपका, एक सुकमा है और दूसरा बीजापुर है। सुकमा और बीजापुर ये दोनों तेलंगाना से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में चार जिले हैं जो महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं। चारों जिले का नाम क्या है, पहला है राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, चार जिले जो हैं आपके क्या हैं, चार जिले ये आपके महाराष्ट्र में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सीमा साझा, छत्तीसगढ़ के चार जिले महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश में सात जिले सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश में सात जिले सीमा साझा करते हैं। सातों जिलों को देखते हैं, पहला है बलरामपुर, पहला है बलरामपुर, पहला है बलरामपुर, ये है आपका बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, आप देख सकते हैं ये है बलरामपुर, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। सूरजपुर मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। कोरिया, कोरिया भी मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, कोरिया भी मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। एक जो आपका गरेला पेंड्रा, ये भी मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, माफ़ करिएगा गरेला पेंड्रा, बिलासपुर अब नहीं करता, गरेला पेंड्रा करता है, ठीक है। पहले बिलासपुर हुआ करता था, अब ये नया बन गया है गरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक है, 28वां जिला। इसके बाद मुंगेली, मुंगेली आपका सीमा साझा करता है। इसके बाद कवर्धा आपका सीमा साझा करता है, कवर्धा को ही कबीरधाम कहते हैं। राजनांदगांव जो है आपका सीमा साझा करता है, तो एक बार फिर से देखिए, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गरेला पेंड्रा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सात जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीमा साझा करने वाले ये आपके सीमाई जिले हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से एक ही था बलरामपुर, ठीक है, और इसके बाद झारखंड से दो थे बलरामपुर, जसपुर, उड़ीसा से आपके आठ थे जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव और बस्तर, सुकमा, ठीक है। इसके बाद आपका एक सुकमा आंध्र प्रदेश से,
तेलंगाना से बीजापुर सुकमा, महाराष्ट्र से चार जिले थे राजनांदगांव, कांकेर नारायणपुर और बीजापुर, मध्य प्रदेश से सात थे आपके बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गेंड्रा पैरेला और मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, ठीक है। उत्तर प्रदेश से एक जिला था बलरामपुर। तो ये आपका हो गया सीमा साझा करने वाले राज्य। अब यहाँ देखो जो प्रश्न बनते हैं आपके, तीन राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कितने हैं? तीन राज्यों से सीमा साझा करने वालों में से पहला तो है आपका बलरामपुर। बलरामपुर देखिए तीन राज्यों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से बलरामपुर करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, झारखंड से करता है। तो बलरामपुर जिला तीन राज्यों से सीमा साझा करता है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। सुकमा भी तीन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। सुकमा तीन राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उड़ीसा, उड़ीसा से सीमा साझा करता है सुकमा, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। तो ये आपको इनको याद रखना है, बलरामपुर और सुकमा ये तीन राज्यों से सीमा साझा करते हैं, बलरामपुर एमपी, यूपी और झारखंड, और जो आपका सुकमा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो राज्यों से सीमा साझा करने में जसपुर है, जसपुर आपका झारखंड से और उड़ीसा से, जसपुर आपका झारखंड और उड़ीसा से, ठीक है, जसपुर झारखंड उड़ीसा से। राजनांदगांव जो है आपका, राजनांदगांव महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है, दो राज्यों से, ठीक है। और बीजापुर आपका तेलंगाना महाराष्ट्र से करता है, तेलंगाना और महाराष्ट्र से बीजापुर करता है, ये बीजापुर है, नीचे तेलंगाना और बगल में महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपके, ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है। नौ जिले ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक है, स्थल रुद्ध है, भू आवेष्टित है। ये नौ जिले कौन कौन से हैं, यानी कि जिनको, जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते, ठीक है। तो इनकी संख्या टोटल नौ है। पहला है दंतेवाड़ा, ये देखिए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा हो गया, दंतेवाड़ा किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता। बालोद, बालोद किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, यहाँ पे देखिए बालोद है, 2012 में बना था दुर्ग से अलग होकर के। तो दंतेवाड़ा, बालोद ये लैंडलॉक हैं। इसके बाद दुर्ग, दुर्ग भी लैंडलॉक है, दुर्ग भी भू अवेष्टित है, ठीक है, दुर्ग आपका। दुर्ग के बाद आपका है रायपुर, रायपुर जो यहाँ की राजधानी है ये भी लैंडलॉक है। इसके बाद आपका है बेमेतरा, ये है बेमेतरा, बेमेतरा भी जो है आपका लैंडलॉक है। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार भी आपका लैंडलॉक है। इसके बाद आपका जांजगीर चांपा, ये भी आपका लैंडलॉक है, जांजगीर चांपा लैंडलॉक है। इसके बाद आप देखेंगे तो कोबरा, कोरबा, कोरबा भी आपका लैंडलॉक है। एक और है आपका सरगुजा, लैंडलॉक है, बिलासपुर भी हो गया है। तो अब टोटल इनकी संख्या 10 हो जाएगी, भूमि अवेष्टित यानी स्थल रुद्ध की संख्या अब 10 हो जाएगी, पहले 9 थी, एक चूंकि अभी, अब पहले बिलासपुर, ये गरेला पिंडरा अब अलग हो जाएगा, 10 हो जाएगी। कौन कौन से हैं फिर से देखिएगा, सबसे पहले दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा से ऊपर चलेंगे आप तो दंतेवाड़ा के बाद बालोद है, बालोद के बाद दुर्ग है, दुर्ग के बाद रायपुर है, रायपुर के बाद बेमेतरा है, बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार के बाद आपका कोरबा है, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा है और सरगुजा है और बिलासपुर है। बिलासपुर भी अब आपका स्थल रुद्ध हो जाएगा, पहले बिलासपुर लगता था सीमा साझा करता था मध्य प्रदेश से, अब नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो ये आपके हो गए भू अवेष्टित जिले, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आपको मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गए आपके जिलों के बारे में, काफ़ी जानकारी आपको मिल गई, अभी आगे और अभी डिस्कस करेंगे जिलों के बारे में और देखेंगे। एक बार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह है, इससे जुड़ी हुई जानकारी एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? जंगली भैंसा। दूसरा, राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। यहाँ की राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष, साल या सरई, ये राजकीय वृक्ष है आपका, ठीक है। राजकीय गीत है आपरा पौरी के धार, आपरा पौरी के धार, ये आपका यहाँ का राजकीय गीत है, ठीक है, माफ करिएगा, अरपा पौरी के धार, अरपा पौरी के धार यहाँ का राजकीय गीत है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा लिखा गया, अरपा पौरी के धार यहाँ का राजकीय गीत है, क्लियर रखना है, अरपा पौरी के धार यहाँ के डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा लिखा गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ की आकृति जो है आपकी सी हॉर्स की तरह है, कैसी है? सी हॉर्स की आकृति है, इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आप लोगों ने देखा होगा, समुद्री घोड़ा जो होता है, ये आपको दरियाई घोड़ा नहीं है जो सुस्त सा रहता है बड़ा, वो नहीं है, सी हॉर्स जैसी आकृति है इसके, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस जैसी आकृति है। राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी है, कब ली गई थी? 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। राजकीय प्रतीक वाक्य जो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है,
ठीक है, राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जैसे भारत का प्रतीक वाक्य है ना अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ का अपना प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा। ठीक है, ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये जानकारी आपको। ठीक, अब चलिए कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। बोले जिलों वाला ये पूरा सेक्शन राजनीति खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद प्राकृतिक में प्रवेश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय यहाँ पर सिर्फ 16 जिले थे। जब छत्तीसगढ़ बना था, कब बना था, 1 नवंबर 2000 को, तब यहाँ पर 16 जिले थे। और 2007 में दो नए जिले बनाए गए, नारायणपुर और बीजापुर, ये दो नए बने थे 2007 में, नारायणपुर और बीजापुर बनाए गए थे। और इस तरीके से संख्या कितनी हो गई थी? 18। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई थी? 18। अब ये जो नारायणपुर बनाया गया था, नारायणपुर आपका बनाया गया था 2007 में बस्तर से अलग करके, बस्तर से अलग करके 2007 में नारायणपुर बनाया गया, और दंतेवाड़ा से अलग हुआ था बीजापुर। तो टोटल हो गई थी 18 संख्या। ठीक है, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा 2012 में 9 जिले बनाए गए, 2012 में 9 जिले बनाए गए। तो 18 और 9, 27 जिले टोटल हो गए। अब ये 9 जिले कौन कौन से बने, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बहुत कम समय में जानकारी दे देता हूँ कौन कौन से आपके 9 जिले बनाए गए। ठीक है, सबसे पहले कोंडागांव बनाया गया 2012 में, बस्तर से बनाया गया था कोंडागांव। दंतेवाड़ा से सुकमा जिले बना दिया गया, जो सबसे दक्षिणतम जिले है, 2012 में ही दंतेवाड़ा को अलग करके सुकमा बना दिया गया था आपका। ठीक है, इसके बाद आपका रायपुर को अलग करके यहाँ से रायपुर से ही गरियाबंद बना दिया गया, रायपुर को गरियाबंद एक नया जिला रायपुर से बना दिया गया। इसके बाद रायपुर से ही बलौदा बाजार बना दिया गया, एक जिला रायपुर से अलग करके बलौदा बाजार बना दिया। दुर्ग से अलग करके बालोद बना दिया इन्होंने, प्रशासनिक इकाइयाँ और एक तरीके से जिला एक प्रशासनिक इकाई है, तो दुर्ग से अलग करके 2012 में इन्होंने बालोद बनाया। दुर्ग से अलग करके 2012 में बेमेतरा बनाया गया। ठीक है, दुर्ग से ही अलग करके बेमेतरा बनाया गया। इसके बाद जो है बिलासपुर से अलग करके 2012 में मुंगेली बना दिया गया। ठीक है, बिलासपुर से अलग करके मुंगेली बना दिया गया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है सरगुजा, सरगुजा से 2012 में सूरजपुर बनाया गया, सरगुजा से 2012 में बलरामपुर बनाया गया। ठीक है, तो ये दो आपके बने, सूरजपुर और बलरामपुर आपके, ठीक है, सरगुजा से बने हैं। और इसके बाद जो है आपका जो है तो ये आपके टोटल 9 जिले जो है बनने थे 2012 में, 27 हो गए, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद जो है 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और उनके द्वारा बिलासपुर जिले से एक नया जिला बनाया गया गैरेला पेंड्रा, तो फरवरी 2020 में अस्तित्व में आया ये, और 28वां जिला है। ठीक है, ये 28वां जिला है छत्तीसगढ़ का, सबसे लेटेस्ट यही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जिलों से हुई जुड़ी हुई बातें, कुछ आपको यहाँ पे मैंने जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और आगे देखते हैं एक बार। जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है छत्तीसगढ़ का, राजकीय प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है ध्यान रखिएगा, राउंड शेप में है पहली बात, गोल शेप में है, और प्रतीक चिन्ह में छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ एक गोलाकार चिन्ह है, एक गोलाकार चिन्ह बनाया गया जो कि छत्तीसगढ़ों से, छत्तीसगढ़ उसमें दिखाए गए हैं, और ये हरे रंग का है। किस रंग का है राजकीय चिन्ह? ये जो गोला है, गोला हरे रंग का है। ठीक है, इसके अलावा मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है अशोक स्तंभ। ठीक है, बीच में आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। तो पहला एक हरे रंग का गोलाकार चिन्ह है जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, लाल रंग का है, अशोक स्तंभ का कलर लाल होगा। ठीक है, इसके बाद धान की बालियां हैं, दोनों तरफ से धान की बालियां हैं, तो धान की बालियों का कलर सुनहरा रंग है, धान की कालियों का रंग सुनहरा रंग है। ऊर्जा, ऊर्जा नीले रंग के नीचे ऊर्जा का प्रतीक बनाया गया है, पावर का प्रतीक, इसे पावर हब ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, भारत का ऊर्जा क्षेत्र भी है, धान की डलिया भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, ऊर्जा केंद्र भी बोला जाता है, तो ऊर्जा नीले रंग से दिखाया गया है। इसके बाद नदियों को रेखांकित करते हुए लहरें बनाई गई हैं तिरंगे के तौर पे, तीन लहरें बनाई गई हैं तिरंगे के तौर पे नदियों को रेखांकित करते हुए। और इसके बाद जो है इसको, ये जो प्रतीक चिन्ह है 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 4 सितंबर 2001 को इस चिन्ह को अपनाया गया है। तो टोटल जो है आपका ये राजकीय चिन्ह है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है हरे रंग का,
मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है, लाल रंग का, धान की बालियां सुनहरे रंग की, ऊर्जा का नीले रंग का प्रतीक चिन्ह है और नदियों को रेखांकित करते हुए तिरंगे की रूप में दिखाया गया है। ठीक है, 4 सितंबर 2001 को इसको क्या किया गया है, अपनाया गया है। तो ये हो गई भारत का राजनीतिक मानचित्र। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप देख सकते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई मध्य प्रदेश राज्य से, और जब मध्य प्रदेश राज्य के बनने के 44 साल बाद जो है ये अलग हो गया, 44 साल बाद ये क्या हो गया, एक अलग बन गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य बनाने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि संविधान संशोधन राज्य निर्माण को नहीं माना जाता, तो कोई पर्टिकुलर संविधान संशोधन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व भाग को अलग करके ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर दी गई है। ठीक ठीक है, कुछ बातें हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इधर वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक मानचित्र है, एक बार प्राकृतिक तौर पे छत्तीसगढ़ को देखने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक बनावट के आधार पे, चट्टानों की संरचना के आधार पे, है ना, उच्चावच के आधार पे, नदियों मिट्टियों के आधार पे, ढालों के आधार पे, नदियों के अपवाह प्रतिरूप के आधार पे, छत्तीसगढ़ को भौतिक तौर पे 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के उच्चावच, चट्टानों के स्वरूप, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, विभिन्न प्रकार के ढूल ढाल, इसके बाद अपवाह तंत्र के आधार पे इसको 4 स्वरूपों में बांटा जाता है। क्रम से एक एक स्वरूप देखिएगा, मानचित्र पे यहाँ पे मैंने बनाया है और प्रयास करूँगा कि मैं आपको ये मानचित्र पे आसानी से दिखा सकूँ। तो इसको ध्यान से देखिए, एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भौतिक तौर से विभाजित किया गया है। ये प्रकृति ने बनाया है, स्वयं प्रकृति के द्वारा विभाजन किया गया, और ये जो हम जिले देख रहे थे ये कृत्रिम विभाजन है, ये राज्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए, 4 कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला है जसपुर सामरी पाट, ठीक है, ये आपका पठारी क्षेत्र है। मैंने जैसा कि बताया कि पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा आपका कैसा है, इसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाट। ठीक है, इसमें बहुत सारे पाट हैं, जमीर पाट है, समरी पाट है, जारंग पाट है, मैन पाट है, पांडरा पाट है, जसपुर पाट है, तो बहुत सारे इसमें पठारी समतल भाग हैं, तो उनको पाटों के रूप में जानते हैं। तो ये आपका पठारी क्षेत्र है एक आपका, इसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाट। जसपुर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे इसका जसपुर सामरी पाट बोला गया है। तो ये जसपुर सामरी पाट, ठीक है, पठारी क्षेत्र है पहला, तो ये है। ठीक है, अभी इसको डिटेल से देखेंगे कि क्या है, कितना है। ठीक है, और देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल है उसका 4.59% का हिस्सा जो है इस पठारी क्षेत्र का है। दूसरा है आपका, दूसरे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये भी एक ऊपर का ही उत्तर वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला आपका उत्तर पूरब का हिस्सा है, ये आपका उत्तर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले हिस्से में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो ये जो भौगोलिक प्रदेश है बघेलखंड है, उसी का ही पूर्वी वाला हिस्सा है, उसी का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, तो उससे जुड़ा हुआ है। कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिम बलरामपुर, सरगुजा, ठीक है, कोबरा क्षेत्र, उत्तरी कोबरा क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में विस्तारित है आपका। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र आपका है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का कुछ हिस्सा है, इसके बाद ये कोबरा का उत्तर वाला हिस्सा है, टोटल पे आपका जो है ये वाला हिस्सा आपका है। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये हो गया दूसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है आपका महानदी बेसिन क्षेत्र, ठीक है, महानदी बेसिन क्षेत्र है, और इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, ठीक है, इसमें कई नदियां हैं, शिवनाद नदी है और दूसरा आपका महानदी ही है, तो महानदी शिवनाद का, ये दोनों नदियों का दोआबी क्षेत्र भी है, इसमें शिवनाद पार का मैदान भी है, ट्रांस शिवनाद का मैदान भी है, ठीक है, और महानदी पार का भी मैदान है, तो एक बार ये आपको देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान को कई भागों में बांटते हैं, और इसके बाद सीमांत उच्च भूमियाँ हैं, बहुत सारी उच्च भूमियाँ यहाँ पे, यहीं पर मैकाल पर्वत श्रेणी भी है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दुर्ग उच्च भूमि है, यहाँ पे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी हाईलैंड एरिया है, उच्च भूमि क्षेत्र भी हैं, पठारी क्षेत्र ही हैं। ठीक है, तो 2 भागों में इस पूरे क्षेत्र को बांटते हैं, तो तीसरा रीजन जो बांटते हैं महानदी बेसिन, और चौथा जो आपका है वो क्या है, बस्तर का पठार। चौथा क्या है आपका, बस्तर का पठारी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं डंडका रंड का पठार, पूरा ये वाला क्षेत्र है डंडका रंड का पठार, इसी का एक हिस्सा है बस्तर का पठार। तो टोटल 4 भागों में इसे बांटे, ये 4 संभागों में। पहला है आपका प्राकृतिक तौर पे, इसको बोलते हैं जसपुर समरी पाट,
जसपुर समरी पाट प्रदेश, जसपुर समरी ये पठारी क्षेत्र है, ऊपर भी पठारी है, इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये आपका महानदी बेसिन है पूरा का पूरा, जिसमें बहुत सारे मैदान हैं और उच्च भूमि क्षेत्र है, और नीचे है डंड का रंड का पठार, ये भी पठारी संरचना है, जिसमें बस्तर का मैदान है, बस्तर का पठारी क्षेत्र भी है, दोनों चीज़ें हैं, बस्तर का पठार और बस्तर का मैदानी क्षेत्र, डंड का रंड का पठार। तो ये अब इनको थोड़ा सा एक बार इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को समझते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर पहले तो इसका विभाजन बता दिया कि किस तरीके से विभाजित है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैकाल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं उत्तर में, जो आपका ये बघेलखंड का पठार है, यहीं पर देवगढ़ की भी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर पहाड़ी हैं, देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पेंड्रा लोमरी का पठार है, यहाँ पे अन्य जो है जमीर का पाट का है सारंग, तो अभी इनको एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे जो है आपकी छुई उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब एक एक करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, चर्चा करते हैं जसपुर समरी पाट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है आपका जसपुर समरी पाट, ये क्या है आपका एक पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, पाट के रूप में जानते हैं। जसपुर समरी पाट जो है आपका, ये छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित हिस्सा है। क्या है ये? छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित हिस्सा है। यह प्रदेश ऊंचाई एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, मतलब कि देखा जाए तो सबसे कम जो है आपका यही है जसपुर समरी पाट प्रदेश, ठीक है। लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ की है ना, सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं गौरलाटा, सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा यहीं पर उपस्थित है जसपुर सामरी पाट पे ही। यहाँ पे सामरी पाट जो आपका है, सामरी पाट पे ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। गौरलाटा 1225 मीटर की हाइट पे है। टोटल कितना है गौरलाटा की? 1225, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जसपुर सामरी पाट जो है आपका, अब इस पर कई सारे पाट हैं, एक है जमीर पाट, सबसे उत्तर में जमीर पाट है, फिर सामरी पाट है, जारंग पाट है, मैन पाट है, पांड्रा पाट है, जसपुर पाट है, तो ये कई सारे पाट हैं इसमें, इसका भी विभाजन है, इसके भी कई सारे जो है इसके भी आपका प्रमुख क्षेत्र है। तो एक बार इसके बारे में और देख लेते हैं। तो इस प्रदेश, यह प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, मैंने बताया कि सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गौरलाटा, सबसे ऊंची चोटी क्या है गौरलाटा, कितनी है 1225 मीटर, कितनी है 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, सामरी पाट पे स्थित है, ठीक है, सामरी पाट पे स्थित है। और सामरी पाट ये जो आपका बलरामपुर वाला हिस्सा है, बलरामपुर वाले हिस्से पे है ना, यहाँ पर उपस्थित है। तो एक बार चलिए क्रम से देख लेते हैं सारे के सारे ए टू जेड जितने भी हैं यहाँ पे। तो पहला है आपका सामरी पाट, सामरी पाट के नीचे ही आपका यहीं पे है, इससे ऊपर सामरी पाट से ऊपर है जमीर पाट, जमीर पाट से नीचे है जारंग पाट, जारंग पाट से इसको उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भी ये क्रम आता है उत्तर से दक्षिण सजाने का। तो उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में है जमीर पाट, फिर है आपका सामरी पाट, फिर इसके नीचे है जारंग पाट, उससे नीचे है मैन पाट, फिर पांड्रा पाट और जसपुर पाट, ठीक है। तो ये आपको उत्तर से दक्षिण क्रम है, सबसे पहले जमीर पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, मैन पाट, पांड्रा पाट, जसपुर पाट, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, ठीक है, जसपुर सामरी पाट में। और यदि पूरब से पश्चिम देख लें तो जमीर पाट सबसे वैसे देखें पूरब में, तो आपका पूरब से पश्चिम में सबसे पूरब में पांड्रा पाट पड़ता है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका जसपुर पाट, और फिर इसके बाद जमीर पाट, जमीर पाट के बाद आपका जो है सामरी पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, मैन पार्ट। तो इस तरीके से इसको ये भी पूछता है उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार क्रोनोलॉजी, ठीक है, इजी है, आसान है। तो आपका जो है सबसे पहली चीज़ क्या है, यह प्रदेश का सबसे ऊंचा और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। भूगर्भिक बनावट यदि इसकी बात करें तो जो दक्कन ट्रैप है यानी आर्कियन युग जैसे चट्टानों का आपने देखा है पूरा क्रम, तो चूंकि ये दक्कन के पठार वाले हिस्से में ही है तो दक्कन ट्रैप जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर दक्कन ट्रैप की चट्टाने हैं। वैसे आर्कियन युगीन चट्टाने भी यहाँ पर पाई जाती हैं, आर्कियन युगीन चट्टाने भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हैं। चूँकि ये जमीर पाट ये पूरा हिस्सा छोटा नागपुर के पठार है तो गोंडवाना क्रम की कुछ चट्टाने भी पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टाने भी यहाँ पर पाई जाती हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भूगर्भिक बनावट इसकी जो है आपकी दक्कन ट्रैप है, और खनिज जो है यहाँ पे बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। स्थलाकृति देखेंगे तो एक तरीके से सीढ़ी नुमा है स्थलाकृति यहाँ की,
चूँकि पठारी क्षेत्र है, ढाल इसका दक्षिण पूरब की तरफ है, दक्षिण पूरब इस तरफ जो है इसका ढाल है, दक्षिण पूरब की तरफ इसका ढाल है। और यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ ईब नदी है, मैनी नदी है, संख नदी है, यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं इस क्षेत्र की। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और फसल के तौर पर देखें तो यहाँ पर टमाटर है, लीची है, चाय है, तम्बाकू है, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। और इस पाट के उप विभाग मैंने आपको बता दिए, इस पाट के उप विभाग में जमीर पाट मैंने बताया, सामरी पाट आपको बताया, जारंग पाट बताया, पांड्रा पाट बताया, जसपुर पाट बताया, मैन पाट बताया, सारे पाट हैं। इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस सुनना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जसपुर सामरी पाट के बारे में बात। अब दूसरी बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार है, तो ये आपका भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का ही पूर्वी भाग है, ठीक है। बघेलखंड के पठार का जो उत्तर प्रदेश और ये जो आपका मध्य प्रदेश वाले हिस्से में है उसी का ही पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। तो इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार इसीलिए बोलते हैं, पूरब वाला हिस्सा। इसका अधिकांश हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश वाले हिस्से में बुंदेलखंड पठार के पास ही है। तो ये क्या है, भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है मैंने आपको बताया। यहाँ पे कोरिया है, सूरजपुर है, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर है, पश्चिमी सरगुजा, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आता है, और उत्तरी कोरबा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है इस पूरे पठारी क्षेत्र का विस्तार है। और ये जो है एक तरीके से आप देखें तो ये आपका सोन नदी तंत्र है। सोन नदी तंत्र जो है गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो यदि आप पूर्वी इसकी बात करें, पूर्वी बघेलखंड पठार की बात करें, तो ये महानदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में एक विभाजक का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है महानदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम करता है। कैसा करता है, जल विभाजक का काम करता है ये। और इसकी भूगर्भिक बनावट कहें तो यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पर खनिज के तौर पर कोयला पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त कोयला का खूब उत्पादन भी होता है और भंडार भी है। तो यहाँ पे गोंडवाना क्रम की क्या है, चट्टाने पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी खनिज का जो है छत्तीसगढ़ ही करता है कोयले का, ठीक है, उत्पादन के तौर पे नंबर एक में है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है आपकी इसकी। मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बहुत इजी है, गौरलाटा, वो आपको याद रखना है 1225 मीटर। गौरलाटा सामरी पाट पे है और बलरामपुर पे पड़ता है ये। बलरामपुर जिले का नाम पूछे तो बलरामपुर, ठीक है, ये आपका बलरामपुर, जसपुर से ऊपर बलरामपुर ही है, यहीं पर सामरी पाट पे पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यदि इस पे बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो देवगढ़ की चोटी है ये। और देवगढ़ की चोटी जो है 1033 मीटर है और गौरलाटा जो है 1225 मीटर है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इजी है। इसका ढाल उत्तर की तरफ है, तभी देखेंगे जितनी भी नदियां हैं सब सोन नदी में जाके गिरती हैं। तो इसका ढाल उत्तर की तरफ है और यहाँ पे जो है आपका प्रमुख नदियाँ बनास नदी है, गोपद नदी है, रिहंद नदी है, रिहंद भी आपकी सोन की सहायक नदी है, कन्हार नदी है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख भाग हैं, इसमें कौन कौन से प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से उपविभाग हैं यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे, सबसे पहले तो यहाँ पे कन्हार, जो आपकी कन्हार नदी है उसके द्वारा कन्हार बेसिन का निर्माण किया जाता है, यहाँ पे कन्हार बेसिन है, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर पूर्वी भाग पे ये वाले हिस्से पे कन्हार बेसिन है आपका, ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं सोहागपुर बेसिन भी है। इसके बाद यहाँ पे रिहंद बेसिन है आपका, रिहंद नदी का बेसिन है ये, माफ करिएगा, ये कन्हार बेसिन, ये आपका कन्हार नदी, ये कन्हार नदी है, इसी का ही कन्हार बेसिन है, ठीक है। सोन की सहायक है कन्हार नदी तो कन्हार बेसिन, यहीं पे रिहंद नदी है तो रिहंद बेसिन, नदी के द्वारा जो अपना मैदान बनाया जाता है बेसिन के तौर पर उसे जानते हैं, एक तरीके से थाला, थालानुमा आकृति, ठीक है। तो बेसिन आप जानते ही हैं ना, बेसिन तो आप प्रयोग भी करते हैं, हैंडवाश करते हैं, वाश बेसिन बोलते हैं ना, तो वाश बेसिन जैसा वो थालानुमा आकृति भी नदी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, यहाँ पर जो आपका है ये वाला पहाड़ी वाला क्षेत्र है, चांग भरवार की पहाड़ी या देवगढ़ पहाड़ी वाला क्षेत्र है पहाड़ी, यहाँ पे कैमूर पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी है, तो चांग भकार की पहाड़ियाँ, सुहागपुर का बेसिन है यहाँ पे, सुहागपुर बेसिन है। तो ये आपका जो है इसके प्रमुख जो भाग हैं, प्रमुख उपविभाग है बघेलखंड के पठार के, पूर्वी बघेल। तो दूसरी संरचना जसपुर सामरी पाट के बाद आपका बघेलखंड का पठारी क्षेत्र है। इसके बाद तीसरी संरचना जो आपकी है वो है महानदी बेसिन क्षेत्र, ये ठीक है, महानदी बेसिन क्षेत्र। नदियाँ भी मैं अभी बताऊँगा आपको, सारी नदी बताऊँगा और सारी सहायक नदियाँ बहुत अच्छे से आपको याद करा दूँगा। तो यह छत्तीसगढ़ के मध्य का क्षेत्र है,
मध्य में अवस्थित है। इसका विस्तार जो है ये बिलासपुर रायपुर दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में पूरा का पूरा विस्तृत है। ये पूरा क्षेत्र आपका मध्य में जितना भी देख रहे हैं ये मध्य में आपका पूरा ऊपर जसपुर सामरी है और इससे ऊपर बघेलखंड है, उससे नीचे लेकर यहाँ पर जो ये दंडकारण्य से ऊपर ऊपर आपका अवस्थित है महानदी का बेसिन। ये मुख्य नदी है, ये देख रहे हैं ये है महानदी आपकी, ये है महानदी, ठीक है। महानदी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपकी सिहावा पर्वत के पास से निकलती है धमतरी से, यहाँ पे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र है, यहाँ से महानदी निकलती है और निकलने के बाद आपका जो है उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है कटक उड़ीसा के पास, ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है महानदी, ठीक है। बंगाल खाड़ी में जल गिराती है। इसी की एक बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी भी इसकी एक बड़ी सहायक नदी है जो कि गोडरी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो अभी नदी तंत्र के तहत देखेंगे पूरा का पूरा। तो इसका विस्तार बिलासपुर रायपुर दुर्ग संभाग, ये जो पूरा संभाग है बिलासपुर संभाग दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, मैंने ये बताया था बिलासपुर संभाग में 6 जिले, पूरा का पूरा रायपुर और दुर्ग संभाग, ठीक है। तो बड़े स्तर पर जो है आपका ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्षेत्र यही है महानदी बेसिन वाला क्षेत्र जो सबसे बड़े स्तर पर है। और यहाँ पर जो है आपका इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल, चूंकि मध्य में अवस्थित है इसको छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं हृदय स्थल बोलते हैं। और इसकी आकृति चापाकार है पंखाकार है और भू आकृति बनावट के तहत यहाँ पे कुड़प्पा क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं। जो महानदी बेसिन क्षेत्र है इसका सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ चोटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बंदरगढ़ चोटी है, सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ है, कितनी है 1176 मीटर, ठीक है महानदी बेसिन की। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, ठीक है ध्यान रखना बार बार मैं बोल रहा हूँ गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो महानदी बेसिन क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बंदरगढ़ चोटी है 1176। यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं चूना पत्थर डोलामाइट, ढाल पूरब की तरफ है तभी सारी नदियाँ पूरब की ओर जा रही हैं, ढाल पूरब की तरफ है। यहाँ पे मिट्टी लाल पीली मिट्टी काली मिट्टी ये सारी मिट्टियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इस बेसिन के जो उपविभाग है दो भागों में बांटा जाता है इस बेसिन को, पहला है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आती हैं, एक तो शिवनाथ नदी है, तो शिवनाथ नदी का शिवनाथ पार्क ट्रांस शिवनाथ का जो मैदान है जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी के नीचे है पर्वत पादी है, तो आपका पहला है शिवनाथ का शिवनाथ मांड बेसिन बोलते हैं इसे। फिर महानदी का महानदी पार का सकरा मैदान है और महानदी शिवनाथ दुआबी क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का दुआबी, तो पूरा मैदानी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं इसे कंप्लीट। और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि, इसके आसपास जो है इसके चारों तरफ सीमांत यानी सीमाई क्षेत्रों में उच्च भूमियां हैं, हाई रेज अपलैंड है, जैसे कि ये पूरा मैकाल पर्वत श्रेणी है तो यहीं पर दुर्ग उच्च भूमि है, हाई लैंड एरिया है पठारी क्षेत्र है दुर्ग उच्च भूमि, तो इसको मैकाल पर्वत, यहाँ पे देखिए मैकाल, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है पूरा का पूरा, ये छत्तीसगढ़ और जो आपका मध्य प्रदेश है उससे सीमा भी बनाती है पूरी की पूरी, ठीक है। महाराष्ट्र वाले कुछ हिस्से में भी मैकाल, महाराष्ट्र में भी मैकाल है, महाराष्ट्र से भी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश, और ये तीनों में फैली हुई है मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है सतपुड़ा का हिस्सा है। तो आपका मैकाल पर्वत श्रेणी है, इसके बाद जो है आपका यहीं पर उत्तरी में यहाँ पर दुर्ग उच्च भूमि है, इसके बाद यहाँ पर दक्षिणी उच्च भूमि भी है, और यहाँ पे पूर्वी में ये है आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र, ये आपका पूर्वी उच्च भूमि है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप स्थलाकृतियों की बात करें तो पेंड्रा लोमड़ी का पठार है, यहाँ पे एक स्थलाकृति पेंड्रा लोमड़ी का पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यह है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसके बाद मैकाल पर्वत श्रेणी है, सिहावा पर्वत श्रेणी है, सिहावा पर्वत श्रेणी यहीं पर आपका है सिहावा पर्वत, ठीक है मैकाल पर्वत श्रेणी है सिहावा पर्वत श्रेणी है, इसके बाद यहीं पर आपका है ढारी डोगरी छाता पहाड़ी, ठीक है आपके यहीं पे धारा डोगरी और छाता पहाड़ी, ठीक है। चलिए तो आपका ये मतलब इसके हिस्से हैं महानदी बेसिन के, ये हिस्से हैं दो भागों में महानदी बेसिन को बांटते हैं, पहला है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र और दूसरा सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं जो प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है प्रमुख नदियां जो इस क्षेत्र में बह रही हैं, नहीं अभी एक बार पहले ये हो गया तीसरा, पहला मैंने जसपुर सामरी पार्ट बताया, दूसरा आपको बताया पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा मैंने आपको क्या बताया महानदी बेसिन, चौथा है दंडकारण्य का पठार, ये आपका जो पूरा दक्षिण वाला हिस्सा है दंडकारण्य का पठार है। तो दंडकारण्य के पठार के बारे में, छत्तीसगढ़ की दक्षिण दिशा में विस्तृत है और यहाँ पे धारवार युगीन चट्टाने पाई जाती हैं, कैसी चट्टाने धारवार युगीन चट्टाने पाई जाती हैं, इसमें ग्रेनाइट व नीस से समृद्ध होने के कारण विभिन्न प्रकार के धातु
धातु यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि लोहा यहाँ पे बहुत मात्रा में पाया जाता है, लोहा हो गया डंडकारण के पठार पे, टिन हो गया, कोरंडम हो गया, अभ्रक हो गया, हीरा इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो डंडकारण के पठार को खनिजों की भूमि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खनिजों की भूमि कहा जाता है इस क्षेत्र को। भूगर्भिक बनावट यहाँ पे आर्कियन युगीन शैलें बहुत सारी, धारवाड़ युगीन और आर्कियन युगीन जो है सबसे प्राचीनतम शैलें यही हैं। आर्कियन सबसे प्राचीनतम है, फिर धारवाड़ क्रम है। और यहाँ पे प्रमुख खनिज लौह अयस्क पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोहा पाया जाता है दंडकारण्य में। यहाँ पे साल के वन बहुत पाए जाते हैं और इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। दंडकारण्य को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दंडकारण्य को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। इसका ढाल दक्षिण की ओर है, इसका ढाल जो है वो दक्षिण की तरफ है, इसका ढाल दक्षिण की तरफ है। तभी आप देखेंगे यहाँ पे गोदावरी नदी बेसिन है। कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में इंद्रावती जो प्रमुख नदी है, इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की, ठीक है। तो दक्षिण अभी इंद्रा, ये देखेंगे सारी नदियों का पूरा नदी तंत्र, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो इसका जो ढाल है दक्षिण की तरफ है। और इसके बाद इसके यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ हैं, कोटरी है, इंद्रावती है, नारंगी है, डंकनी है, संखनी है, सबरी है, इत्यादि नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, संखनी, सबरी आदि नदियाँ। और यहाँ पे जो उपविभाग हैं, पहला है कोटरा नदी, ठीक है, कोटरा नदी बेसिन है। अबूझमार की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, कोटरा नदी बेसिन है आपका, अबूझमार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे अबूझमार की पहाड़ियाँ आप ये देख सकते हैं, अबूझमार की पहाड़ियाँ, एक कोटरा नदी, यहाँ पे कोटरा नदी, उसी का कोटरा नदी बेसिन है। कोटरा नदी जो है आपकी इंद्रावती की सहायक नदी है, कोटरी नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है, कोटरी नदी बेसिन यहाँ पर है। और ये आपकी हैं अबूझमार की पहाड़ियाँ। इसके बाद और क्या क्या है यहाँ पे इस जगह पे प्रमुख जो इसके उपविभाग हैं? उत्तर पूर्वी का पठार, तो उत्तर पूर्वी का पठारी क्षेत्र है यहाँ पे, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है। इसके बाद इस क्षेत्र में दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, देखेंगे दक्षिण का ये पूरा बस्तर का पठार वाला क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, बैलाडीला की पहाड़ियाँ ये आपकी बड़ी फेमस हैं, लोहा क्षेत्र है यहाँ पे, बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर रावघाट की पहाड़ियाँ हैं, बस्तर का मैदानी क्षेत्र है, ये आप देखें यहाँ पे बस्तर का मैदानी क्षेत्र है पूरा का पूरा। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर बस्तर का पठारी क्षेत्र है, ये बस्तर का पठारी क्षेत्र है। केशकाल घाटी है, यहाँ पर एक घाटी है, यहाँ पर ये है केशकाल की घाटी और एक है विनीता घाटी। केशकाल की घाटी है, विनीता घाटी है, आरी डोगरी है, गढ़िया पहाड़ है, अलबका पहाड़ी है। यहाँ पे ये देखिए सारी पहाड़ी, आरी डोगरी पहाड़ियाँ हैं, अलबका पहाड़ हैं, राव घाट यहाँ पर हैं। तो ये आपके जो है दंडकारण्य पठार के प्रमुख जो है उपविभाग हैं। सबके मैंने उपविभाग भी आपको बता दिए, ठीक है। तो पहला हमने देखा जसपुर सामरी पाट, दूसरा महानदी बेसिन, तीसरा हमने पूर्वी बघेलखंड का पठार और दंडकारण्य ये आपके प्रमुख हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों की या प्रमुख अपवाह नदी तंत्रों का, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं डिटेल से, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश में जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जल छत्तीसगढ़ में जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के जल अपवाह तंत्र को किस में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा है आपका महानदी, ठीक है। महानदी का जो अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा है, अभी देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सभी नदियों के बारे में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा है महानदी। दूसरा है आपका गोदावरी, ये आपका गोदावरी है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में तो प्रवेश नहीं करती है ये, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इंद्रावती नदी उसी की सहायक नदी है गोदावरी की, जो कि छत्तीसगढ़ से आती है, ठीक है। तो एक बार इसको भी देखेंगे। तो दूसरा है आपका गोदावरी, तीसरा है आपका सोन या गंगा अपवाह तंत्र। ऊपर देखिए यहाँ पर ये आपका अलग अमरकंटक के पास से ही सोन नदी निकलती है और गंगा में पटना के पास मिलती है। तो बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि ये पूर्वी बघेलखंड के पठार से निकलती हैं और सोन की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सोन नदी तंत्र आपका तीसरा है। चौथा है आपका ब्राह्मणी नदी तंत्र। यहाँ पर देखिए ये आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी तंत्र है और ब्राह्मणी नदी तंत्र जो आपका इसका चौथा। और पांचवा आपका है नर्मदा नदी तंत्र। यहाँ पर देखिए ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और कुछ नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदी हैं, जैसे कि बंजर नदी है, टाडा नदी है, सब सहायक नदियाँ हैं।
तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका महानदी अपवाह तंत्र। तो देखिए महानदी का जो उद्गम होता है, यहाँ पर ही देखिए महानदी का उद्गम यहाँ से होता है, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से, यहाँ पे धमतरी, ये है धमतरी वाले क्षेत्र से निकलती है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र है, यहीं से जो है आपकी महानदी निकलती है, ठीक है। सिहावा पर्वत यहीं पर आपका सिहावा पर्वत है, यहीं पर धमतरी महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र से महानदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है। इसका मुहाना जो है आपको पता ही है कि ये कटक के पास जाती है, उड़ीसा के कटक के निकट क्या है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई, यदि महानदी की हम कुल लंबाई की बात करें तो महानदी की कुल लंबाई आपकी कितनी है, 858 किलोमीटर। टोटल कितनी है, 858 टोटल इसकी कितनी है, 858 किलोमीटर। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ भर में देखें कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितना जो है महानदी जो है कितने क्षेत्र में बहती है, तो 286 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में ये यात्रा है इसकी, 286 किलोमीटर की, ठीक है। बहुत आसान है, क्लियरली याद रखिए टोटल लंबाई महानदी की कितनी है, 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, 286 किलोमीटर। आसान है, बहुत ईजी है। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की लंबाई, सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी शिवनाथ नदी है। क्यों शिवनाथ नदी है, क्योंकि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है, 290 किलोमीटर। और देखेंगे यदि महानदी को, तो महानदी जो है केवल 286 किलोमीटर बहती है, यानी 4 किलोमीटर कम है शिवनाथ नदी से। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी 290 किलोमीटर जो बहती है वो है शिवनाथ नदी, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, इसलिए क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, 858 किलोमीटर का क्षेत्र है टोटल, तो सबसे बड़ी तो इसी हिसाब से महानदी हुई। जैसे गंगा को हम बोलते हैं 2525 किलोमीटर लंबी है, तो गंगा ऐसा नहीं है, है ना, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में बहती है, फिर बिहार जाती है, फिर झारखंड जाती है, फिर पश्चिम बंगाल जाती है, उत्तराखंड से आती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बहती है, तो वो अलग है उसकी टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई महानदी की तो 858 है, लेकिन वो सबसे लंबी नदी इस हिसाब से हो गई, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी पूछेंगे तो गंगा ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बहने वाली तो शिवनाथ हो जाएगी, 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में क्योंकि केवल 286 किलोमीटर ही बहती है। तो महानदी, ये कन्फ्यूजन आपका खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाली जो नदियाँ हैं, सहायक नदियों की बात करते हैं, तो दो तरफ से हैं, उत्तर की ओर से मिलने वाली और दक्षिण की ओर से मिलने वाली, एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से याद भी करते जाइएगा। तो छत्तीसगढ़ में महानदी की सहायक नदियाँ उत्तर की तरफ से पहले देख लेते हैं। उत्तर की तरफ से आपकी शिवनाथ नदी है, और शिवनाथ की नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी जो पहाड़ियाँ हैं, गोडरी की पहाड़ियाँ, यहाँ से शिवनाथ निकलती है और 290 किलोमीटर की यात्रा जो है ये करती है, किस तरफ करती है, पूरब की तरफ करती है, उत्तर पूरब की तरफ करती है, और उत्तर पूरब की तरफ की करने के बाद जो है ये मिल जाती है, कहाँ पर मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है, ठीक है। शिवरी नारायण के निकट जो है एक जगह है, शिवरी नारायण के निकट शिवनाथ नदी कहाँ पे मिल जाती है, जो है महानदी में मिल जाती है, ठीक है। अभी शिवनाथ की भी सहायक नदियाँ देखेंगे, क्योंकि शिवनाथ इसकी एक बड़ी नदी है, तो शिवनाथ की भी सहायक नदियाँ देखेंगे। सबसे जैसे गंगा की यमुना है ना, सबसे बड़ी सहायक नदी है ना यमुना है, उसी तरीके से महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है, उसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद दूसरी नदी है हंसदेव नदी। पहली है शिवनाथ नदी, उत्तर की तरफ से मिलने वाले, क्रम से देखिएगा, शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, बोराई नदी, माड़ नदी, केलो नदी, ईब नदी, ठीक है। फिर से एक बार उत्तर की तरफ से मिलने वाले, शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, बोराई नदी, माड़ नदी, केलो नदी, ईब नदी। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली है ना, दक्षिण की तरफ यानी कि दाएं तट से मिलने वाली या दक्षिण की तरफ से मिलने वाली है दूध नदी, सिलपारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, ताल नदी, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ, उत्तर की ओर से मिलने वाली शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, बुराई नदी, माड़ नदी, केलो नदी, ईब नदी, ये आपकी उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, ये आपकी जो है बहुत ईजी है, बहुत आसान है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये आपकी
जो महानदी है उससे जुड़ा हुआ, बहुत ईजी है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी, ये आपकी टोटल क्या है, उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, और दक्षिण की ओर से मिलने वाली या दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, ठीक है। ये टोटल आपकी कैसी नदी है, अब कौन कहाँ से मिलती, कौन कहाँ से निकलती है। जैसे दूध नदी है, दूध नदी मलाज कुंज पहाड़ी से निकलती है और महानदी में मिल जाती है, मलाज कुंज पहाड़ी से। सिलियारी नदी मॉडम सिसली पहाड़ियों से निकलती है, मॉडम सिसली क्षेत्र से निकलती है, और सिलियारी ये भी वहाँ पर मिल जाती है महानदी पर। पैरी नदी जो है ये भात्रगढ़ पहाड़ियों से निकलती है, पैरी नदी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद नौरंगपुर से निकलती है सोंढूर नदी, इसके बाद तुम गांव से निकलती है सूखा नदी, जोंक नदी निकलती है सोनबेरा पठार से, जोंक नदी निकलती है, और रदन की पहाड़ियों से लात नदी निकलती है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी नदियाँ हैं। इसके बाद जो है आपका जो उत्तर की ओर से मिलने वाली हैं, हंसदेव नदी जो है वो देवगढ़ कैसर की पहाड़ी से निकलती है, देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी, माफ करिएगा, कैमूर की पहाड़ियों से, ये हैं कैमूर की पहाड़ियाँ जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, यहाँ पे पैगो, ठीक है, तो यहीं से आपकी निकलती है, इसका नाम है हंसदेव नदी। बोराई नदी आपकी, इसके बाद है नेक्स्ट है मैन पाट से मांड नदी निकलती है, यहाँ पे मैन पाट है, मैन पाट से मांड नदी, ये मांड नदी मैन पाट से निकलती है। इसके बाद आपकी लुडेग पहाड़ी से निकलती है केलो नदी, और सुरजा पहाड़ी से निकलती है ईब नदी, ठीक है। सारी तो महानदी के उत्तर की ओर से मिलने वाली शिवनाथ नदी, हंसदेव, बोराई, मांड, केलो और ईब इतनी है। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, ठीक, ये हो गई महानदी की सहायक नदियाँ, दाएं तट से और बाएं तट से। दाएं तट मतलब दक्षिण से मिलने वाली, बाएं तट मतलब उत्तर से मिलने वाली, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का उद्गम जैसे मैंने बताया कि गोडरी गांव के पास ही गोडरी पहाड़ियां हैं, ये है मैकाल पर्वत श्रेणी के से का ही हिस्सा है ये, तो यहां से शिवनाथ नदी निकलती है, गढ़चिरौली के पास ही यहीं पे जगह है गढ़चिरौली, यहां से निकलती है, और सिबरी नारायण के निकट ये महानदी पे नहीं मिल जाती, यहां पे सिबरी नारायण के निकट ये महानदी पे मिल जाती है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि इसका उद्गम क्या है और इसका मुहाना क्या है। ये एक सहायक नदी है, इसकी सहायक नदियाँ क्रम से देख लेते हैं सारी की सारी। उत्तर से तरफ मिलने वाली, उत्तर से तरफ का मतलब इसके बाएं तट से मिलने वाली, इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, हॉप नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलागर नदी, आमेर नदी और सकरी नदी। फिर से एक विधि का, होप, मनियारी, अरपा, लीलाघर, आमेर, सकरी, ये सारी आपकी कहाँ हैं, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियाँ खरखरा नदी, खारून नदी, तांदुला नदी, जमुनिया नदी, ठीक है। फिर से खरखरा, खारून, तांदुला, जमुनिया, ठीक है, इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो शिवनाथ नदी आपका ये हो गया। अब इसको जो है एक एक करके समझते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजिली हम चीज़ों को समझ लेंगे। तो शिवनाथ नदी के बारे में यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि हॉप नदी जो है कांदा की पहाड़ियों से निकलती है ये, इसके बाद मनियारा नदी पेंड्रा लोमा की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ पे पेंड्रा लोमरी का पठार है, यहीं से निकलती है, पेंड्रा लोमरी के पठार से निकलती है। खोडरी से निकलती है अरपा नदी, ठीक है, खोंडरी खोंगार पहाड़ी से निकलती है, लीलागढ़ निकलती है कोरबा की पहाड़ी से, इसके बाद खरखरा जो है ये आपकी डोंडी लोहरा की पहाड़ियों से निकलती है, खारून जो है पेरेचुआ की पहाड़ी से निकलती है, तांदुला जो है भानु प्रताप काकेर से निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई शिवनाथ नदी की जुड़ी हुई सहायक नदियाँ। अब नेक्स्ट आते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में। गोदावरी देखो मुख्य तौर पे आंध्र प्रदेश की नदी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र, महाराष्ट्र से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से और फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये प्रवेश कर जाती है, ठीक है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के डंडकारंड के ढाल के दक्षिणी ओर होने के कारण से, ये डंडकारंड ढाल है आपका, डंडकारंड का ढाल क्या है, दक्षिण की तरफ है। तो जितनी भी दक्षिण की बहने वाली नदियां हैं सारी गोदावरी की ही सहायक नदियां बन जाती हैं। तो गोदावरी अपवाह तंत्र में दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है, पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र। दक्षिण का छत्तीसगढ़ राज्य के डंडकारंड पठार का ढाल कहाँ है, दक्षिण की ओर है, और राज्य की अधिकांश नदियाँ गोदावरी में जाकर मिलती हैं। इस नदी पर ही पोलावरम बांध है, ठीक है, तो पोलावरम बांध पर एक विवाद भी है, और पोलावरम बांध छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य विवादित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियाँ यहाँ पर जल
ये पूरी पोलावरम परियोजना है, तो ये ध्यान रखें कि गोदावरी पे चल रही है और विवादित परियोजना है। तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है, और इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक है। तो इंद्रावती को प्राचीन नाम इसका मंदाकिनी था, उद्गम स्थल इसका क्या है इंद्रावती का, यहाँ पे मुंगेर की पहाड़ियाँ, ये है आपकी इंद्रावती नदी, यहाँ पे मुंगेर की पहाड़ियों से निकलती है। इंद्रावती नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है, मुंगेर की पहाड़ियों से निकलती है। इसका मुंगेर पर्वत श्रेणी जो है इसका प्रमुख जो है उद्गम स्थल है। विसर्जन इसका भद्रकाली नामक स्थान पे है, भद्रकाली नामक जगह पर ये क्या है कहाँ पे, गोदावरी पे मिल जाती है। इंद्रावती भद्रकाली नामक स्थान पे गोदावरी पे मिल जाती है, ध्यान रखना है भद्रकाली नामक जगह पे ये किस पे मिल जाती है, गोदावरी नदी पे मिल जाती है। और इसके बाद यहाँ पे जो है इंद्रावती पे एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर ही है, पश्चिम की ओर बहती है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देख लीजिए, इंद्रावती की प्रमुख एक नदियां सबसे पहले उत्तर से मिलने वाली, लेकिन इसका प्रवाह चूंकि पश्चिम की तरफ है तो उत्तर से मिलने वाली नदियां जितनी भी होंगी कैसी हो जाएंगी, दाएं तट से मिलने वाली तटियां नदियां, और दक्षिण से मिलने वाली बाएं तट से। नदी का जिस दिशा में प्रवाह होता है तो इस दिशा में इसका प्रवाह है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा दाया तट हो जाएगा और नीचे वाला बाया तट हो जाएगा। महानदी का प्रवाह इस तरफ है तो महानदी का उत्तर वाला हिस्सा बाया तट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा दाया तट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इंद्रा नदी, इंद्रावती के उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं कोटनी, ये राजहरा की पहाड़ियों से निकलती है कोटनी नदी, ये इंद्रावती मिलती है, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ठीक है। और दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां, दक्षिण यानी कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां, डंकनी, शंखनी, चिंतावाम, तालपेरू। फिर से एक बार देखिए इंद्रावती, ये बस्तर संभाग की जीवन रेखा भी इसे बोला जाता है, बस्तर क्षेत्र का जो मैदान है इंद्रावती नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। तो इंद्रावती नदी का जो है यहाँ पे पहले कोटनी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये आपकी जो है उत्तर की तरफ मिलने वाली नदियाँ हैं, और दक्षिण की डंकनी, शंखनी, चिंतावाग और तालपेरू, ये नदी आपकी जो है दक्षिण की तरफ से इंद्रावती पे आकर के मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो बड़ा अपवाह तंत्र क्षेत्र है वो है सोन गंगा अपवाह तंत्र क्षेत्र। तो राज्य के तीसरे बड़ा अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग का ढाल जो है उत्तर की तरफ है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहने वाली नदियां सोन गंगा अपवाह तंत्र में जुड़ती हैं। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, पहली है बनास नदी, ये देखिए बनास जो है ये सोन की सहायक नदी है, तो इसका उद्गम जो होती है होता है मांझटोली की पहाड़ियों से होता है, यहाँ पे है मांझटोली की पहाड़ियाँ, वहाँ से उद्गम स्थल है, और भरतपुर तहसील कोरिया से जो के पास जो है ये उसके आगे जो है ये कहाँ पे मिल जाती है, सोन नदी पे जाके मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नहीं ये जो उद्गम स्थल है मांझरोली की पहाड़ियों से है, मांझरोली की पहाड़ियाँ भरतपुर स्थल, ये जो कोरिया के पास भरतपुर है वहाँ पर है, ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, और इसके बाद बनास जो है सोन पे मिल जाती है। इसके बाद इसी के पास बनास के बाद है गोपद नदी, गोपद जो है सोनहर की पहाड़ियों से निकलती है, गोपद सोनहर की पहाड़ियों से निकलती है और सोन की सहायक है। इसके बाद नेयूर नदी, ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है, तो नेयूर नदी आपकी ये भी जो है सोन की सहायक नदी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिहंद नदी है, तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल है छुई मतिरंगा की पहाड़ियाँ, मैंने आपको ये यहाँ पे है ना, ये है छुई उदयपुर की पहाड़ियाँ, इन्हीं को छुई मतिरंगा की पहाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। तो छुई मतिरंगा की पहाड़ियाँ या अंबिकापुर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वहीं से ये निकलती है, और इसके बाद से जो है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और सोन पे जो है जाके तो ये रिहंद बेसिन का भी निर्माण करती है पूर्वी बघेलखंड के पठार पे। इसके बाद आपकी है कन्हार नदी, कन्हार नदी जो है ये बखोना चोटी से निकलती है, बखोना चोटी यहाँ पर है, ठीक है, तो बखोना चोटी पंडरापाट के पास है, वहाँ से निकलती है बखोना चोटी, और जो है ये जसपुर में, और जसपुर जो है जसपुर में पड़ती है बखोना चोटी, वहाँ से निकलती है पंडरापाट के पास, जो आपका जसपुर समरी पाट प्रदेश है उसी का एक हिस्सा है पंडरापाट, और ये जो है सोन नदी में सहायक और कन्हार बेसिन यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड पठार पे बनाती है, ठीक है। तो जो है सोन गंगा अपवाह तंत्र की चार प्रमुख नदियाँ हैं, पहला है बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी। इसके बाद ये हो गया सोन नदी तंत्र, इसके बाद ये है ब्राह्मणी नदी तंत्र, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में इसका ज़्यादा स्थान नहीं है, 1.03% ही है, सबसे बड़ा महानदी है, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोन, चौथा ब्राह्मणी, ठीक है। तो ये जो है आपकी ब्राह्मणी, वैसे प्रमुख नदी आपकी उड़ीसा में है ये नदी, लेकिन कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे शंख नदी,
ब्राह्मणी में कुछ नदियां जो है जा करके, ब्राह्मणी में शंख नदी, कोयल नदी, ये कोयल नदी झारखंड से निकलती है और ब्राह्मणी की सहायक नदी है, तो ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है ब्राह्मणी की। शंख नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है छत्तीसगढ़ में, कोयल नदी झारखंड में, ठीक है। इसके बाद नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी पे बहती हैं। और राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र क्या है, 0.055%, ठीक है। ब्राह्मणी नदी 1.03%, ठीक है, इतना हिस्सा है उसका, 0.055% आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। तो राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र क्या है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। प्रमुख सहायक नदी इसमें कौन कौन सी हैं, प्रमुख सहायक नदी इसकी बंजर है, ताड़ा है, बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो मैंने बताया आपको, गौरलाटा है, समरीपाट पे है, बलरामपुर 1225 मीटर है। तो ये हो गई छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी की दो प्रमुख नदियाँ हैं, पहली है बंजर नदी और दूसरी है लाड़ा नदी, ताड़ा नदी, ठीक है। तो बंदर पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तो ये बात हो गई आपकी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन और जो यहाँ का अपवाह तंत्र है इसको लेकर के भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने प्राकृतिक विभाजन पे चार प्राकृतिक, जसपुर समरीपाट प्रदेश, महानदी बेसिन क्षेत्र प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश, और इसके बाद नदियों में महानदी, शिव नदी उसकी सहायक नदी, इसके बाद गोदावरी नदी तंत्र, इसके बाद सोनगंगा नदी तंत्र, इसके बाद ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इन सभी तंत्रों के बारे में हमने देख लिया, आसानी से देख लिया, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब बात है नेक्स्ट है जनगणना आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या जनसंख्या, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो लिखिए देखते हैं, थोड़ा जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे हैं, 2011 की अपडेटेड जनगणना है। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाए, तो एक मेरा मास्टर वीडियो पड़ा हुआ है जनसंख्या और नगरीकरण पे, तो भारत की पूरी जनगणना, और वहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ का भी कुछ डेटा ले रखा है, 5 राज्यों का लिया था, तो आपको उसे ज़रूर देख लेना है, ताकि आपका जो है जो भारत वाले से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 2011 की जनगणना है, आने के प्रश्न बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अब नई जनगणना आने वाली है, तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की 2,55,45,198 व्यक्ति, ठीक है, कितने, 2,55,45,198 व्यक्ति, जनसंख्या कितनी है, 2,55,45,198 व्यक्ति। जनघनत्व कितना है, 189 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं आपके, 189 लोग, जनघनत्व कितना है, 189। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है 135,194 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 135,194 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना है, 135,194 वर्ग किलोमीटर, 135,194 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है, 2,55,45,198 व्यक्ति, ठीक है, 2,55,00,000, ठीक है, 45,198 व्यक्ति, क्लियरली याद कर लीजिए। और क्षेत्रफल कितना है, 135,194 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 22.61% जनसंख्या वृद्धि हुई है, 2001 की जनगणना के हिसाब से 22.61% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है। लिंगानुपात कितना है, 991 जो है लोग हैं, 1000 महिलाओं पे जो है 991 लोग हैं। साक्षरता 70.28% है, साक्षरता दर कितनी है, 70.28% है। नगरीय जनसंख्या 23.24% नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 76.67% ग्रामीण जनसंख्या है। तो नगरीय जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, 23.24%, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 76.76%, ठीक है। तो टोटल फिर से देखिए, नगरीय जनसंख्या 23.24% और ग्रामीण जनसंख्या 76.76%। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की जनसंख्या, ठीक है, 30.62% जो है आपका एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और एससी कैटेगरी के लोग जो हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं 30.62%, दोनों का इक्वल है लगभग लगभग, ठीक है। 0 से 6 वर्ग के लिंगानुपात कितना है, देखिए राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है, राज्य का कुल लिंगानुपात है
991। भारत का लिंगानुपात कितना है, देश का हमारे है 943। छत्तीसगढ़ का कितना है 991। छत्तीसगढ़ में साक्षरता कितनी है, 70.28% साक्षर है। भारत की कितनी है, 73% के आसपास है, 72.99 है ना। और नगरीय जनसंख्या मैंने बताया था 23.24%, ग्रामीण जनसंख्या 76.76%, एसटी जनसंख्या 30.62%, एससी जनसंख्या 30.62%। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात 969 है। 0 से 6 वर्ष के का लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो नकारात्मक है लिंगानुपात। कार्यशील जनसंख्या दर कितना है, कार्यशील जनसंख्या दर 47.68% कार्यशील जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 135,194 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। और क्षेत्रफल के आधार पे भारत का ये भारत संघ में स्थान इसका नवा स्थान है। कौन सा स्थान है, नवा स्थान। क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है, नवा स्थान। पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, पांचवें स्थान पे गुजरात है, छठवें स्थान पे कर्नाटक है, सातवें स्थान पे आंध्र प्रदेश है, आठवें स्थान पे उड़ीसा है और नवें स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो पहले पे आपको पता है राजस्थान, फिर दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, इसके बाद आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है, तो नवें स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है और जनसंख्या के आधार पर 16वां स्थान है। कैसा स्थान है, 16वां स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ मैदान क्षेत्र, तीसरा है बस्तर का पठार क्षेत्र। ठीक है, पहला है आपका उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ मैदान क्षेत्र और तीसरा है बस्तर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, पहला है आपका उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ मैदान क्षेत्र, तीसरा है बस्तर का पठार क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। और ये आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो है क्या है, छत्तीसगढ़ के जनसंख्या से आंकड़े और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ जानकारी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक दो चीज़ें और हैं, फैक्ट और तथ्यात्मक चीज़ें और देख लीजिएगा। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के आधार पर नवा स्थान है, ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर देश का 16वां स्थान है। टोटल देश की जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ में निवास करता है। अब छत्तीसगढ़ में जनजातियां बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, लगभग 56% से ज़्यादा आबादी गोंड जनजाति की है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति क्या है, गोंड जनजाति, 56% से ज़्यादा गोंड जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोंड जनजाति बस्तर संभाग में रहती है, सबसे ज़्यादा जो बस्तर जिला है बस्तर संभाग में है गोंड जनजाति। और प्रमुख जो जनजातियाँ हैं छत्तीसगढ़ की कौन कौन से है, अबूस माड़िया जनजाति, अबूस माड़िया, प्रमुख जनजातियों के नाम अबूस माड़िया, बैगा जनजाति, बिरहार जनजाति, कमार जनजाति, कोरबा जनजाति, भुंजिया जनजाति, पंडो जनजाति, हलबा जनजाति, उराव जनजाति, बिंझवार जनजाति, कुरकू जनजाति, पारधी जनजाति, सौरा जनजाति, भतरा जनजाति, मिडिया जनजाति, मुरिया जनजाति, कोया जनजाति, कोयतूर जनजाति, सौता जनजाति, भरिया, प्रधान, कंद जनजाति, नगेसिया जनजाति, धनवार जनजाति, कंवर जनजाति, मंझवार जनजाति, अगरिया जनजाति, खड़िया जनजाति, गदबा जनजाति, खैरबार जनजाति, परजा जनजाति। इतने प्रकार की प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड जनजाति है, बस्तर संभाग में ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आपकी अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहार, कमार, कोरबा, भुंजिया, पंडो, हलबा, उराव, बिंझवार, कुरकू, परधी, सारा, भरता, मिडिया, मुरिया, कोया, कोयतूर, सौता, प्रधान, कंद, नगेसिया, धनवार, ये सब प्रमुख जनजातियाँ, अगरिया, खड़िया, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जनजाति प्रदेश है, यहाँ पे मुख्य तौर पे जनजातियाँ ही पाई जाती हैं। इसलिए जगदलपुर को जो है, यहाँ पे जगदलपुर को छत्तीसगढ़ का जनजातीय म्यूजियम भी कहा जाता है, नृजातीय म्यूजियम भी कहा जाता है जगदलपुर को, जो बस्तर संभाग का क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं जगदलपुर क्षेत्र में या बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जानकारी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है।
अबूझ मार क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे 187 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा होती है, सेंटीमीटर माफ करिएगा, 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? अबूझ मार का क्षेत्र है। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कवर्धा है, सबसे कम वर्षा होती है कवर्धा में, ठीक है। कवर्धा आपका जिला है, कबीरधाम बोलते हैं जिसे। सबसे ज़्यादा वर्षा अबूझमाड़ में 187 सेंटीमीटर और न्यूनतम है कवर्धा में। यहाँ की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं, देखो सबसे नीचे वाला हिस्सा जो बस्तर संभाग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है, इंद्रावती नदी है, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है। इसके बाद इसके ऊपर वाला हिस्सा जो आपका है, ये वाला हिस्सा जिसमें नारायणपुर कांकेर कोंडा गाँव है, इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो आपका महानदी वाला पूरा क्षेत्र है, महानदी वाला जो नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और बीच बीच में जैसे बिलासपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये दुर्ग और बालोद वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे बस्तर संभाग में लाल दोमट मिट्टी, उससे ऊपर जो आपका नारायणपुर कोंडगांव कांकेर क्षेत्र है बलुई मिट्टी, इसके बाद जो महानदी वाला क्षेत्र है, और महानदी क्या, ये जो आपका पूरा पूर्वी बघेलखंड का पठार है या फिर जसपुर समरी पाट है, इस पूरे क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। हाँ, ये जो जसपुर समरी पाट है और थोड़ा सा बघेलखंड का पड़ा, यहाँ पर लैटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, इस क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। तो यहाँ पर और बीच में ये सेंट्रल वाले में बिलासपुर मुंगेली ये कुछ हिस्सा, और इधर जो है आपका दुर्ग वाला बालोद वाला हिस्सा, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मिट्टियों का वितरण है, दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, सबसे ज़्यादा मात्रा में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है आपकी लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। बाकी आपका यहाँ पे जसपुर वाला क्षेत्र जो है आपका, जसपुर और बलरामपुर का कुछ क्षेत्र, यहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ जानकारी हो गई, किससे जुड़ी हुई, मिट्टियों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जानकारी आपकी हो गई, ठीक है। तो हमने जो है काफ़ी हद तक लगभग काफ़ी चीज़ें कर ली, देख ली, फिर और एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय यहाँ पर 16 जिले थे, मैंने आपको बताया था। रायपुर बिलास जो है ये ब्रिटिश प्रांत थे, 1861 में ब्रिटिश प्रांत थे। 1906 में रायपुर को बिलासपुर के कुछ भाग को हटा करके दुर्ग बना दिया गया। तो दुर्ग जो आपका इस समय जो सबसे नवीनतम संभाग है, तो ये मतलब 1906 में जो है दुर्ग बना था, रायपुर और बिलासपुर से अलग करके दुर्ग बनाया गया था। फिर 1976 में दुर्ग से राजनांद गांव बनाया गया था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा जिला है। और 1998 में कोरिया, जरपुरा, कोरबा, जाजगीर, चंपा, ठीक है, महासमंद, धमतरी, ये सब ये बनाए गए थे आपके, ठीक है, क्षेत्र बनाए गए थे। तो जिलों के बारे में मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो देखिए सारी चीज़ें तो यहाँ पर मैं कर नहीं पाया हूँ, कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ और एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसका एक मास्टर वीडियो और आएगा, ठीक है, उसमें बाकी का मैं कवर करूंगा। दो पार्ट के बाद छत्तीसगढ़ का कुछ भी नहीं रह जाएगा, कोई भी एग्जाम देना हो जाएगा आपका, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, और ये आपका एक नदी है, इसका ये जो सबरी नदी है उसी की सहायक नदी है, मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी बस्तर ज़िले में ये जो है आपका ये जलप्रपात है, 300 फीट ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात, ये आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तीरथ जलप्रपात। और इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो नदी है सबरी नदी, छत्तीसगढ़ की जो नदी है ना, क्या है? सबरी नदी। छत्तीसगढ़ की नदियाँ जो हैं, एक सबरी नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र सबरी नदी का कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से होता है, और ये जो है गोदावरी में मिल जाती है। सबरी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। बाघ नदी जो है ये फुलझारी पहाड़ी से निकलती है, राजनंद गांव से, और बेन गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो गोदावरी की एक सहायक नदी यहाँ पर बेन गंगा, बेन गंगा में ही मिलती है बाघ नदी। तो बेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ में बेन गंगा नहीं है, मध्य प्रदेश में है बेन गंगा, और फिर महाराष्ट्र वाले रीजन पे, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पे है बेन गंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है लगभग हमने आज के इस पूरे सेशन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई पर्याप्त जानकारी, आपके जो परीक्षा से जुड़े हुए, एग्जामों से जुड़ी हुई, या फिर आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जो जानकारी चाहिए, हमने सारी लगभग देख ली, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का जो इसके प्राचीन नाम हैं,
रामायण काल में इसे दक्षिणी कोसल कहा जाता था, जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, तो मध्य छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को दक्षिणी कोसल कहा जाता था, और दक्षिणी छत्तीस वाले क्षेत्र को, दक्षिणी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को रामायण काल में दंडकारण्य कहा गया है। ठीक है, तो कोसल प्रदेश दंडकारण्य पे श्री राम जो है वहाँ पर वनवास करते हैं दंडकारण्य पे। तो आया सबरी का जो प्रसंग आता है वो दंडका मतंग ऋषि का आश्रम जो है आपका वो दंडकारण्य में ही है। ठीक है, उसी के नाम पे सबरी नदी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो रामायण काल में मध्य प्रदेश के मध्य वाले क्षेत्र को दक्षिणी कोसल कहते थे और दंडकारण्य। महाभारत काल में भी इसे कोसल कहा गया और इसको दक्षिणापथ भी कहा गया। ठीक है, और इसके बाद जो है कनिंगम के अनुसार जो है होएनसांग ने इसको जो है किया सालो कहा, होएनसांग के द्वारा इसको किया सालो कहा गया, और कनिंगम महोदय ने इसे महाकोशल बोला। ठीक है, कनिंगम महोदय ने जो है छत्तीसगढ़ को महाकोशल कहा गया कहा, और होएनसांग ने इसे किया सलो कहा। इसका क्या नाम दिया? किया सलो कहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दंडका रंड भी इसका नाम आता है, कोशल भी नाम आता है, महाकोशल भी नाम आता है, किया सलो जो है दक्षिण होएनसांग ने जो एक पुस्तक लिखी है सीयू की, उसमें उसने विवरण दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मास्टर वीडियो है। सारे के सारे जितने टॉपिक हो सकते थे मैंने यहाँ पे प्रयास किए हैं संभावित, बाकी एक मास्टर वीडियो एक पार्ट और आएगा, उसमें अभी बहुत सारी जानकारी है छत्तीसगढ़ का पर्यटन, वहाँ से जुड़ा उद्योग, वहाँ पे इतिहास, अभी बहुत सारी विषय वस्तु आपके अगले वीडियो पे हो पाएगी। ठीक है, तो एक मास्टर वीडियो और आएगा, उसमें छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। अब आपको करना क्या है, इसे 2 से 3 बार देखना है, 2 से 3 बार इसे देखिए, आपके सारे फैक्ट जितने मैंने जिलों से बताए, प्राकृतिक विभाजन से बताए, नदियों से बताए, जो सामान्य परिचय से बताए, ठीक है, जितने जनजाति जो भी फैक्चुअल डेटा मैंने बताया, 2 से 3 बार देखने के बाद आपके रट जाएगा। ठीक है, दूसरी आपकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसको छत्तीसगढ़ के हर एक छात्र के पास पहुंचाना है और भारत के सभी लोगों तक पहुंचाना, ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में लोग जान पाए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मास्टर वीडियो के बाकी अन्य एपिसोड भी आपको परीक्षा से पहले देख के जाने हैं, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, राज्य व्यवस्था का हो, पर्यावरण का हो, समान अध्ययन के सभी विषयों पर मैंने बनाया है, सभी राज्यों पर मैंने बनाया है। तो जो भी एग्जाम आप देने जाएं, एक बार ये पूरे एपिसोड देख करके जाएं, मैं आपके साथ बना रहूंगा हमेशा, आपको मास्टर वीडियो का एपिसोड लाता रहूंगा, आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत आसान कर दूंगा। जल्दी भारत के अन्य राज्यों के साथ आपके साथ मिलूंगा और जनरल स्टडी के अन्य एपिसोड के साथ मिलूंगा। इसके साथ ही इंटायर वीडियो की एक सीरीज है जिसमें एक ही साथ में 12-13 घंटे लगातार पढ़ाता हूं और एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर देता हूं, तो इंटायर वीडियो भी आप देख सकते हैं। मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो, ये अपने आप में सबसे अद्वितीय है और इसके माध्यम से आपको सबसे व्यापक जानकारी आपको मिलेगी। बाकी जो छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, आप सभी आजाद CGPSC एकेडमी का एप्लीकेशन बनाया गया छत्तीसगढ़ के राज्य के छात्रों के लिए, आप वहां पे जाइए और समग्रता से पढ़ाई करिए। छत्तीसगढ़ को हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, वहां पे एक एक छोटी छोटी बात जो है संस्था की पूरी टीम लग करके आपको पढ़ाती है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले मास्टर वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।